हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में हम एनटीएससी बायोलॉजी के चैप्टर डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के टॉपिक एनिमल किंगडम के अंदर एक और नया फाइलम डिस्कस करने जा रहे हैं, एंड दैट इज फाइलम निडेरिया। प्रीवियस सेशन में हमने बात करी थी फाइलम पोरीफेरा की, और आज के इस सेशन में हम बात करेंगे फाइलम निडेरिया की। सो आई होप कि आज के सेशन का जो टारगेट है वो सभी को एकदम क्लियर है। तो अब एक काम करते हैं, जल्दी से सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दिस इज़ विभूति खरे, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहाँ पर आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको दो चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह की पेमेंट करने की या पैकेज परचेज करने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सभी तक पहुँचा रहा है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये सेशन, जहाँ पर हम बात करेंगे फाइलम निडेरिया की। और अगर पॉसिबल हुआ तो आज ही के इस सेशन में मैं ये चाहती हूँ कि हम फाइलम प्लेटीहेलमिंथस भी पढ़ लें, देखते हैं कि कैसा हो पाता है। तो चलिए आज के इस सेशन की शुरुआत हम करते हैं, और शुरुआत कहाँ से होगी, तो फाइलम निडेरिया से। आज के इस सेशन में हम सबसे पहले बात करेंगे फाइलम निडेरिया की। अब देखो यहाँ पर एक पॉइंट है, क्या कि ये जो अपना फाइलम निडेरिया है इसका एक और नाम है। क्या नाम? फाइलम सीलेंट्रेटा। मैम ये आप क्या बोल रहे हो? अरे जो मैं बोल रही हूँ ना, बस उसको ध्यान से सुनते जाओ, सब कुछ समझ में आता जाएगा। मैंने आपसे ये बोला है कि आज के इस सेशन में हम सबसे पहले पढ़ेंगे फाइलम निडेरिया, और यही जो अपना फाइलम निडेरिया है इसी का एक और नाम है। क्या नाम? तो फाइलम सीलेंट्रेटा। तो कई बार आपको किताबों में फाइलम सीलेंट्रेटा लिखा हुआ नज़र आएगा, दिखाई देगा, तो डर मत जाना, घबरा मत जाना, कंफ्यूज मत हो जाना कि हे भगवान, मैम ने तो हमको फाइलम निडेरिया पढ़ाया है, सीलेंट्रेटा पढ़ाया ही नहीं है। अरे एक ही बात है यार, एक ही बात है, या तो फाइलम निडेरिया बोल दो या फाइलम सीलेंट्रेटा बोल दो, ठीक है? तो आज के इस सेशन में हम सबसे पहले बात करेंगे फाइलम निडेरिया की, और इसी फाइलम निडेरिया का एक और नाम है फाइलम सीलेंट्रेटा। तो फाइलम निडेरिया बोल दो या फाइलम सीलेंट्रेटा बोल दो, एक ही बात है, क्योंकि ये एक ही फाइलम है। सॉर्टेड? अब तो नहीं भूलोगे कभी, और कंफ्यूज भी नहीं होगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब डेफिनेटली आपके दिमाग में एक सवाल आया होगा, और आना भी चाहिए, कि मैम इस फाइलम का नाम निडेरिया क्यों पड़ा? ऐसा तो नहीं है कि फाइलम का कोई नाम था ही नहीं, फाइलम बेनाम था? नहीं भाई, फाइलम का नाम था क्या? सीलेंट्रेटा, बताया तो था मैंने आपको अभी। तो इस फाइलम का नाम था, फाइलम बेनाम नहीं था, फाइलम का नाम था क्या? सीलेंट्रेटा। लेकिन फिर भी इस फाइलम का एक और नाम रखा गया, फाइलम निडेरिया। मैम क्यों? इस फाइलम का नाम निडेरिया क्यों रखा गया? एक्चुअली उसके पीछे एक रीज़न है। मैम क्या रीज़न है हमको भी बताओ? बताऊंगी, और आज ही के इस सेशन में ही बताऊंगी, लेकिन अभी नहीं, थोड़ी देर बाद। जैसे जैसे हम इस सेशन में आगे बढ़ते जाएंगे, आपको सारी बातें एकदम क्रिस्टल क्लियर होती जाएंगी, ठीक है? तो अभी के लिए मैं आपको बस इतना ही बता सकती हूँ कि इस फाइलम का नाम था, बेनाम नहीं था फाइलम। क्या नाम था? फाइलम सीलेंट्रेटा। क्या नाम था? फाइलम सीलेंट्रेटा। लेकिन फिर भी इस फाइलम का एक और नाम रखा गया, और नाम भी क्या रखा गया? निडेरिया, फाइलम निडेरिया, जिसके पीछे एक रीज़न है। रीज़न क्या है पता चल जाएगा आपको, टेंशन मत लेना, ठीक है? चलो अब थोड़ा सा हम और आगे बढ़ जाते हैं। अब क्योंकि इस फाइलम का नाम है निडेरिया, इस फाइलम का क्या नाम है? निडेरिया, इसीलिए इस फाइलम में जो ऑर्गेनिज़म्स आते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? निडेरियंस। क्या बोलते हैं? निडेरियंस।
अरे यार प्रीवियस सेशन में मैंने आपको पढ़ाया था फाइलम पोरीफेरा, फर्स्ट फाइलम, है ना। प्रीवियस सेशन में, बिल्कुल इसी के पहले सेशन में मैंने आपको पढ़ाया था पहला फाइलम, फाइलम पोरीफेरा, और वहाँ पर मैंने आपको समझाया था कि फाइलम पोरीफेरा में, फाइलम पोरीफेरा में आने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो एनिमल्स हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, पोरीफेरेंस। हाँ, स्पॉन्जेस भी बोलते हैं, लेकिन वो तो उनका कॉमन नेम है ना। मैं आपको यहाँ पर यह समझाना चाह रही हूँ कि फाइलम पोरीफेरा में आने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम बोलते हैं पोरीफेरेंस। ठीक वैसे ही फाइलम निडेरिया में आने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं, निडेरियंस। क्या बोलते हैं, निडेरियंस। लिख भी देती हूँ मैं यहाँ पर, निडेरियंस, निडेरियंस। मैम सी तो आप बोल ही नहीं रही हो, अरे साइलेंट है यार, ठीक है। फिर आप बोलोगे कि मैम इस फाइलम का तो एक और नाम है ना, सीलेंट्रेटा, तो उसके बारे में आप कुछ नहीं बोलोगे क्या? बोल देते हैं, उसमें क्या बड़ी बात है कि फाइलम सीलेंट्रेटा में, फाइलम सीलेंट्रेटा में आने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, सीलेंट्रेट्स। क्या बोलते हैं, सीलेंट्रेट्स। वो भी लिख देती हूँ, क्या बड़ी बात है। देखो यहाँ पे सीलेंट्रेट्स, ठीक है। तो क्योंकि इस फाइलम का नाम है क्या, निडेरिया, इस फाइलम का नाम है निडेरिया, इसीलिए इस फाइलम में आने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है ना, उन्हें हम क्या बोलते हैं, निडेरियंस। क्योंकि इस फाइलम का नाम है सीलेंट्रेटा, इसीलिए इस फाइलम में आने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सीलेंट्रेट्स। तो निडेरियंस या फिर आप बोल सकते हो सीलेंट्रेट्स। तो आज के बाद इस सेशन में, मतलब आज के बाद नहीं, अब के बाद, अभी के बाद इस सेशन में अगर मैं बोलती हूँ निडेरियंस या सीलेंट्रेट्स तो कंफ्यूज मत होना। अगर मैं बोल रही हूँ निडेरियंस या सीलेंट्रेट्स, इसका मतलब क्या कि मैं उन एनिमल्स, मैं उन ऑर्गेनिजम्स की बात कर रही हूँ जो कि फाइलम निडेरिया या सीलेंट्रेटा में आते हैं, ठीक है ना। इतना आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर हुआ होगा कि भाई फाइलम का नाम है क्या, निडेरिया, इसलिए इस फाइलम में आने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम बोलते हैं निडेरियंस। फाइलम का नाम है सीलेंट्रेटा, इसलिए इसमें आने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सीलेंट्रेट्स, ठीक है ना। चलो और आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा इनका देखो, नाम तो हमें पता चल गया, अब थोड़ा सा इनका हम पता, यानी कि जो एड्रेस है वो मालूम करते हैं कि ये कहाँ पाए जाएंगे। क्या हमारे निडेरियंस या सीलेंट्रेट्स आपको ऐसे गार्डन में बैठे हुए मिलेंगे, या गार्डन में ऐसे जॉगिंग करते हुए मिलेंगे, या जंगल में ऐसे दौड़ते हुए मिलेंगे, या फिर आपको ऐसे हवा में उड़ते हुए मिलेंगे? मेरी बात समझ में आ रही ना, नाम हमें पता चल गया है, अब हम एड्रेस मालूम कर रहे हैं इनका, किसका, निडेरियंस का या सीलेंट्रेट्स का, कि ये कहाँ पाए जाएंगे। तो मैंने आपसे बोला कि क्या ये आपको ऐसे गार्डन में ऐसे बैठे हुए मिलेंगे क्या, या जंगल में दौड़ते हुए मिलेंगे, या हवा में उड़ते हुए मिलेंगे? ना, ना ये आपको लैंड पर मिलेंगे, ना ये आपको हवा में मिलेंगे, ना ये आपको लैंड में मिलेंगे, ना ये आपको हवा में मिलेंगे। तो फिर मैम कहाँ मिलेंगे? अरे पानी में। ये क्या होते हैं, एक्सक्लूसिवली एक्वेटिक होते हैं हमारे निडेरियंस या जो हमारे सीलेंट्रेट्स हैं, ये एक्सक्लूसिवली क्या होते हैं, एक्वेटिक ही होते हैं, पानी में ही मिलेंगे, ना लैंड पर मिलेंगे, ना ये टेरेस्ट्रियल होते हैं, ना ये हवा में उड़ते हुए मिलेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं बेटा, एक्वेटिक ही होते हैं। तो हमारे निडेरियंस, हमारे सीलेंट्रेट्स कहाँ मिलते हैं, पानी में। क्यों? क्योंकि ये क्या होते हैं, एक्सक्लूसिवली एक्वेटिक ही होते हैं। फिर आप पूछोगे कि मैम फ्रेश वाटर या मरीन? दोनों में, दोनों में। फ्रेश वाटर में भी मिलते हैं और मरीन वाटर में भी मिलते हैं, यानी कि समुद्र के पानी में भी मिलते हैं। मोस्टली मरीन वाटर में ही मिलेंगे, मोस्टली अधिकतर
जो निडेरियंस हैं, अधिकतर जो सीलेंट रेट्स हैं वो आपको समुद्र के पानी में मिलेंगे, मरीन वाटर में ही मिलेंगे। कुछ ऐसे होते हैं, फ्यू निडेरियंस ऐसे होते हैं, फ्यू सीलेंट रेट्स ऐसे होते हैं जो कि आपको फ्रेश वाटर में मिलेंगे। होते तो सारे कैसे हैं, एक्वेटिक ही हैं, कोई आपको लैंड पर नहीं मिलेगा, कोई आपको हवा में उड़ता हुआ नज़र नहीं आएगा, सारे के सारे क्या होते हैं, एक्वेटिक ही होते हैं। मोस्टली मरीन वाटर में मिलते हैं और कुछ ऐसे होते हैं निडेरियंस जो कि आपको फ्रेश वाटर में मिलते हैं, ठीक है ना। चलो अब और आगे बढ़ते हैं, कहाँ आगे। अच्छा एक काम करते हैं ना, ये जो हमने लिखा है ना कि कुछ निडेरियंस, फ्यू सीलेंट रेट्स फ्रेश वाटर में मिलते हैं, तो एक एग्जाम्पल पढ़ लें क्या इसका। एग्जाम्पल है हाइड्रा, एग्जाम्पल है हाइड्रा। जो बच्चे नाइन्थ में हैं वो कान खोल के सुन लो, टेंथ में जाकर के आपको हाइड्रा के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ना है, और जो बच्चे ऑलरेडी टेंथ में हैं उनको तो पता ही होगा हाइड्रा के बारे में, ठीक है। तो हाइड्रा क्या है बेटा, हाइड्रा एक फ्रेश वाटर निडेरियन है। ये तालाब के पानी में या आप बोल सकते हो कि नदी के पानी में जो कि ठहरा रहता है, स्टेगनेंट वाटर है ना। तो किसी पेड़ की, मतलब जो एक्वेटिक प्लांट है उसकी किसी पत्ती के ऊपर चिपका हुआ आपको ये मिल जाएगा। आई मेरी बात समझ में। तो फ्रेश वाटर निडेरियन कौन है, हाइड्रा। बहुत छोटू सा होता है, एकदम एक सेंटीमीटर इतना सा होता है, इतना सा, ठीक है ना। जो हम पिक्चर्स देखते हैं, जो हम ड्रॉ करते हैं वो बहुत बड़ा बड़ा करते हैं, इतने बड़े होते नहीं हैं ये। तो फ्रेश वाटर निडेरियन कौन है, एग्जाम्पल हाइड्रा। ऐसा नहीं कि सिर्फ हाइड्रा ही होता है फ्रेश वाटर निडेरियन, ना भाई, इसके अलावा भी होते हैं लेकिन बहुत कम होते हैं ना। तो मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया है कि हाँ फ्रेश वाटर निडेरियन कौन है, हाइड्रा है। एक सेंटीमीटर लंबा होता है, बिल्कुल इतना सा होता है, तालाब के पानी में या नदी के पानी में जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं उनकी पत्ती पर बैठा हुआ आपको ये मिलेगा, पत्ती के ऊपर चिपका हुआ आपको ये मिल जाएगा, ठीक है ना। चलो और आगे बढ़ते हैं मैम, और कितना आगे बढ़ेंगे। अरे अभी तो बहुत आगे बढ़ना है यार, अभी तो हमें बहुत सारी चीज़ें हमें डिस्कस करनी है यहाँ पर, ठीक है ना। फिर आप बोलोगे कि मैम आपने फ्रेश वाटर निडेरियन का एग्जाम्पल दे दिया है हाइड्रा, तो मरीन वाटर का भी एग्जाम्पल दे दो ना, ठीक है। सुंदर सी हमारी प्यारी सी कौन, जेलीफिश। ऐसी दिखती है, देखो ऐसी दिखती है ये जेलीफिश। ये क्या है, ये मरीन वाटर निडेरियन है। ये एक ऐसी सीलेंट रेट है, ये एक ऐसी निडेरियन है जो कि मरीन वाटर में मिलती है, यानी कि समुद्र के पानी में मिलती है। तो फिर मैम ये क्या है, ये तो बढ़िया सुंदर सा दिख रहा है, फूल जैसा दिख रहा है, फूल जैसा दिख रहा है, खूबसूरत, लेकिन है बहुत ख़तरनाक। ऐसा जहर छोड़ता है कि इंसान को, इंसान भी जो है ना उससे डैमेज हो जाता है। आई मेरी बात समझ में। इसे हम बोलते हैं सी एनीमोन, सी एनीमोन, सी एनीमोन। कुछ लोग इसको सी एनीमोनी भी बोलते हैं, मैं इसको सी एनीमोन बोलती हूँ या सी एनीमोन, ठीक है ना। चलो हाँ, तो ये क्या है भाई, ये हैं दोनों मरीन वाटर सीलेंट्रेट्स या मरीन वाटर निडेरियंस। हाइड्रा कुछ ऐसा दिखता है ये, ठीक है ना। मैम ये क्या है, ये कोरल्स हैं, कोरल्स जो कि समुद्र की जो बेड होती है, जो बॉटम होता है समुद्र का, वहाँ पर आपको ये देखने को मिलते हैं कोरल्स। मैम ये तो काफ़ी सख्त होते हैं, टफ होते हैं, हार्ड होते हैं। कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि लोग जो है ना समुद्र में जाते हैं डाइविंग वगैरह करने के लिए और कोरल्स पे चल के आते हैं। तो मैम अगर इंसान, इंसान ही जाएंगे कोरल्स पे चलने के लिए, हाथी तो जाएगा नहीं चलने के लिए, है ना। तो मैम अगर इंसान जाकर के कोरल्स पर चलते हैं तो कोरल्स टूटते नहीं हैं क्या, ना। इनके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग कवरिंग होती है, एक स्केलेटन होता है कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ, जिसके कारण, देखो चलना नहीं चाहिए तो गलत बात है, आप किसी बेवजह, ये सारे बेटा क्या है, ये सारे सीलेंट्रेट्स ही हैं, ये कॉलोनी है सीलेंट्रेट्स की। जो हमारे सीलेंट्रेट्स हैं, जो हमारे निडेरियंस हैं ना, वो आप बोल सकते हो कि अकेले भी रह सकते हैं और कॉलोनीज बना करके भी रह सकते हैं,
अकेले भी रह सकते हैं या कॉलोनीज बना करके भी रह सकते हैं, हमारे हमारे निडेरियंस या हमारे सीलेंट्रेट्स। तो ये जो आपको कोरल्स दिख रहे हैं ना, ये बेसिकली कोरल्स क्या हैं, ये हमारे सीलेंट्रेट्स की कॉलोनीज हैं। तो चलना नहीं चाहिए बेवजह इन पर जा करके, लेकिन इंसान मानता नहीं है ना, क्या करें। लेकिन फिर भी ये टूटते नहीं हैं। क्यों नहीं टूटते हैं? क्योंकि इनके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट की एक कवरिंग होती है, आई बात समझ में, जो कि इनके स्केलेटन की तरह काम करता है। इसलिए ये कितना भी जाकर के हम इसको ऐसे छू के आ जाएं, चल के आ जाएं, कुछ भी करके आ जाएं, ये इतने आसानी से टूटते नहीं। लेकिन हाँ, चलना नहीं चाहिए बेवजह। क्यों जो है ना समुद्री जीवों को जाकर के हम जो है ना मतलब परेशान करें। ऊपर से अगर फिर जेलीफिश ने आकर के हमें डंक मार दिया तो फिर रोते बैठेंगे, इसको कोसेंगे कि इसने देखो हमें डंक मार दिया। अरे ये अपने आप नहीं आती है इंसान को डंक मारने के लिए कि हाँ इंसान आएगा समुद्र में, मैं उसको जाके डंक मारूंगी ना। अगर आप इसके टेंटिकल्स के कॉन्टेक्ट में आ जाओगे तो बेसिकली ये अपना डिफेंस मैकेनिज्म शो करती है कि भाई मेरे पास मत आना। ऑब्वियसली बात है, अगर आपके ऊपर कोई अटैक करने के लिए आएगा तो आप भी तो डिफेंस करोगे ना, तो ये भी वैसे ही करती है। अगर आप इसके टेंटिकल्स के कांटेक्ट में आ जाओगे, ये सारे क्या हैं, ये सारे इसके टेंटिकल्स हैं, ठीक है ना। तो अगर आप इनके टेंटिकल्स के कांटेक्ट में आ जाओगे, इसके पास जाकर के इसको छूने की कोशिश करोगे तो मारेगी ना, डंक तो मारेगी, स्टिंग तो करेगी, आई बात समझ में। चलो अब थोड़ा सा हम और आगे बढ़ जाते हैं। अरे ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं कि नाम क्या है, पता क्या है, कहाँ पाए जाते हैं, ये मैंने आपको बता दिया है ना, और कुछ एग्जाम्पल्स भी मैंने आपको दे दिए हैं। अब देखो ऐसा है कि हाँ, तो मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि डेफिनेटली आपके दिमाग में सवाल आएगा कि मैम कब तक पानी में पड़े रहेंगे यार ये लोग। जब हमने फाइलम पॉरीफेरा पढ़ा था, वहाँ पर भी आपने ये बोला था कि जितने भी पॉरीफेरेंस होते हैं, जितने भी स्पॉन्जेस होते हैं, वो एक्सक्लूसिवली कैसे होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, पानी में ही मिलते हैं। और इनके लिए भी, सीलेंट्रेट्स के लिए भी आप यही बोल रहे हो कि ये एक्सक्लूसिवली एक्वेटिक ही होते हैं, पानी में ही मिलते हैं, ये कब तक पानी में रहेंगे। बेटा जो हमारी अगली फाइलम है ना, फाइलम प्लेटीहेलमिंथिस, वहाँ से आपको जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो लैंड पर जो है नज़र आएंगे। लेकिन हाँ, इस फाइलम तक, फाइलम सीलेंट्रेटा तक आपको ऑर्गेनिजम्स पानी में ही मिलेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि देखा जाए तो ये थोड़े से पुराने फाइलम है ना, है ना, फाइलम पॉरीफेरा, फाइलम सीलेंट्रेटा, ये थोड़े से पुराने फाइला हैं। तो जो पुरानी चीज़ें होती हैं ना, उसमें आपको पुरानी चीज़ों के मतलब पुराना एलिमेंट ही नज़र आता है। मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि बेटा जीवन की शुरुआत कहाँ से हुई है। जीवन की शुरुआत हुई थी पानी से। सबसे पहले जो ऑर्गेनिजम्स अर्थ पर रहने के लिए आए थे, वो कौन थे? बैक्टीरिया थे। बैक्टीरिया सबसे पहले कहाँ आए थे? तो पानी में आए थे। तो जीवन की जो शुरुआत है वो कहाँ से हुई है? पानी से ही हुई है। सबसे पहले ऑर्गेनिजम्स जो कि धरती पर रहने के लिए आए थे वो थे बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया कहाँ आकर के रहे थे? पानी में ही रहे थे। बैक्टीरिया यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। फिर इन्हीं से क्या हुआ? एवोल्यूशन हुआ। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स से मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स आ गए, है ना। हमारे जो बैक्टीरिया थे वो क्या थे? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स थे। यू ओ मतलब यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। इन्हीं में क्या हुआ? एवोल्यूशन हुआ। इनसे क्या हुआ? मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स आए। इन्हीं से क्या हुआ? एवोल्यूशन हुआ और इन्हीं से मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स आए। कुछ मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स क्या बन गए? प्लांट्स बन गए, और कुछ मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स बन गए जानवर, यानी कि एनिमल्स। तो बैक्टीरिया से ही जीवन की शुरुआत हुई थी। सबसे पहले ऑर्गेनिजम्स जो कि अर्थ पर रहने के लिए आए थे वो बैक्टीरिया ही थे। पानी में रहने के लिए आए थे वो थे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। इन्हीं से क्या हुआ? एवोल्यूशन हुआ, मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स आ गए। कुछ मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स बन गए क्या? प्लांट्स, और कुछ मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स बन गए क्या? एनिमल्स। ठीक है, तो सबसे पहले जो प्लांट्स आए थे
प्लांट किंगडम के किंगडम प्लांटे के सबसे पहले प्लांट्स जो आए थे धरती पर रहने के लिए वो भी कहाँ मिले थे, पानी में ही मिले थे। और एनिमल किंगडम के सबसे पहले एनिमल्स जो कि धरती पर रहने के लिए आए थे वो कहाँ मिले थे, वो भी पानी में ही मिले थे। तो बेटा जीवन की शुरुआत पानी से ही हुई है, सबसे पहले जो ऑर्गेनिजम्स आए धरती पर रहने के लिए वो भी पानी में ही मिले, सबसे पहले प्लांट्स जो आए वो भी पानी में ही मिले, और सबसे पहले जो एनिमल्स आए वो भी पानी में ही मिले। और फाइलम पॉरीफेरा में मैंने आपको पढ़ाया था कि फाइलम पॉरीफेरा क्या है। फाइलम पॉरीफेरा मोस्ट प्रिमिटिव फाइलम है एनिमल किंगडम का। एनिमल किंगडम का पहला फाइलम है क्या, फाइलम पॉरीफेरा। हमारे जो पॉरीफेरेंस है ना वो सबसे पहले एनिमल्स हैं एनिमल किंगडम के। कि अगर आपसे कोई आकर के पूछ ले कि बताओ भाई कि एनिमल किंगडम के सबसे पहले एनिमल्स कौन हैं, अगर कोई आकर के आपसे पूछ ले कि एनिमल किंगडम के सबसे पहले एनिमल्स कौन हैं, तो आप बोलोगे कि पॉरीफेरेंस हैं। और ये कहाँ आए थे, पानी में ही आए थे। तो जीवन की शुरुआत पानी से ही हुई है। सबसे पहले ऑर्गेनिजम्स जो कि धरती पर रहने के लिए आए थे वो भी पानी में ही मिले, सबसे पहले प्लांट्स जो आए धरती पर वो भी पानी में मिले, और सबसे पहले एनिमल्स जो आए वो भी आपको पानी में ही मिले। तो शुरुआत तो पानी से ही हो रही है ना, इसलिए जो हमारे पॉरीफेरेंस हैं वो तो भाई सबसे प्रिमिटिव एनिमल्स हैं। सबसे पहला फाइलम जो है एनिमल किंगडम का वो क्या है, फाइलम पॉरीफेरा ही है। हमारे पॉरीफेरेंस सबसे प्रिमिटिव एनिमल्स हैं, तो वो पानी में ही आपको देखने को मिलेंगे। उन्हीं से क्या हुआ, पॉरीफेरेंस से ही क्या हुआ, एवोल्यूशन हुआ। पॉरीफेरेंस से ही एवोल्यूशन हुआ, और एवोल्यूशन से क्या बन गए, हमारे सीलेंट्रेट्स बन गए। तो फाइलम पॉरीफेरा, फाइलम सीलेंट्रेटा, ये इनिशियल या बोल सकते हो कि पुराने फाइला ही है। तो इनमें आपको कुछ कुछ चीज़ें जो है ना, मतलब पुरानी ही मिलेंगी, पुराने ज़माने की ही मिलेंगी, कि ये पानी में ही पाए जाते हैं। जो हमारी नेक्स्ट फाइलम है, फाइलम प्लेटीहेलमिंथिस, उसमें आपको पता चलेगा कि हाँ कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो कि धरती पर आ गए, मतलब कि लैंड पर आ गए रहने के लिए। लेकिन मैं आपको एक बात बताती हूँ, प्लेटीहेलमिंथिस में जब हम पढ़ेंगे कुछ ऑर्गेनिजम्स के बारे में कि वो लैंड पर रहने के लिए आ गए हैं, लैंड पर रहने के लिए आ तो जाते हैं पर लैंड पर आ करके कुछ अच्छा काम नहीं करते हैं, कुछ उखाड़ नहीं लेते लैंड पर आकर के, उल्टा जो है पैरासाइट ही बन जाते हैं। पढ़ाऊंगी वो भी पढ़ाऊंगी, लेकिन अभी हम बात करते हैं फाइलम सीलेंट्रेटा की, ठीक है ना। तो ये क्या होते हैं, इसीलिए एक्वेटिक ही होते हैं, कि भाई शुरुआत हो रही है, आगे आगे देखो होता है क्या, ठीक है। तो शुरुआत हो रही है इसीलिए ये सब क्या होते हैं, एक्वेटिक ही होते हैं। ओके, अब देखो ये एक्वेटिक तो हैं, लेकिन जो हमारे सीलेंट्रेट्स हैं, जो हमारे निडेरियंस हैं, इनने प्रकृति से जो ना लड़ाई करी। क्या लड़ाई, कि जो पॉरीफेरेंस थे वो तो बहुत ही पुराने। अरे मैं बार बार बोल रही हूँ ना आपसे कि जो हमारा फाइलम पॉरीफेरा है, जो हमारा फाइलम पॉरीफेरा है वो सबसे प्रिमिटिव फाइलम है एनिमल किंगडम का। जो हमारे पॉरीफेरेंस हैं वो सबसे पहले एनिमल्स हैं एनिमल किंगडम के। तो भाई उनके पास तो बहुत ही बेसिक चीज़ें थी, कि वो पानी में रहते थे, वो सेसाइल थे, यानी कि वो मूव नहीं कर सकते थे, वो अपनी पोजिशन को चेंज नहीं कर सकते थे, है ना। पॉरीफेरेंस में हमने यही पढ़ा था कि मोस्ट प्रिमिटिव एनिमल्स, उनके पास सब चीज़ें एकदम बेसिक बेसिक होती हैं, कि पानी में रहेंगे, सेसाइल रहेंगे, मूव नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब बारी आई किसकी, सीलेंट्रेट्स की, तो सीलेंट्रेट्स ने थोड़ी सी अपनी आवाज़ उठाई, निडेरियंस ने अपनी आवाज़ उठाई कि चलो ठीक है, हम जो है ना शुरुआती फाइलम हैं, तो ठीक है हम पानी में रह जाएंगे, लेकिन हमें मूव करने की फ्रीडम चाहिए। ऐसे काम नहीं चलेगा कि हम बिल्कुल जो ना एक जगह बैठे रहें पॉरीफेरेंस की तरह, ना। तो सीलेंट्रेट्स ने आवाज़ उठाई कि ठीक है हम पानी में रह जाएंगे, हम एक्वेटिक बन जाएंगे, लेकिन हमको पानी में रह कर के मूव करने की इजाज़त मिलनी चाहिए। तो इसीलिए कुछ सीलेंट्रेट्स मोटाइल हो गए, लेकिन कुछ सीलेंट्रेट्स तब भी क्या रह गए, सेसाइल ही रह गए। जिनने आवाज़ उठाई, देखो जो आवाज़ उठाता है फ़ायदा उसी को मिलता है, ठीक है ना। तो कुछ सीलेंट्रेट्स ने आवाज़ उठाई थी कि ना
भले ही हम पानी में रहें लेकिन पानी में रह करके हम स्विम करेंगे, हम मूव करेंगे। इसीलिए कुछ सीलेंट रेट्स क्या हो गए, मोटाइल हो गए, है ना। कुछ सीलेंट रेट्स क्या हो गए बेटा, मोटाइल हो गए, और कुछ सीलेंट रेट्स सेसाइल ही बने रहे। यानी कि कुछ सीलेंट रेट्स मूव कर सकते हैं, अपनी पोजिशन चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो बचे हुए सीलेंट रेट्स है ना वो चिपके रहते हैं एक जगह। जैसे कि हमने जो एग्जाम्पल पढ़ा था किसका, हाइड्रा का, फ्रेश वाटर सीलेंट रेट। ये हाइड्रा जो है ना, ये क्या होता है, ये आप बोल सकते हो कि सेसाइल ही होता है, चिपका रहता है एक जगह। आप बोलोगे कि मैम हमने तो कभी कभी हाइड्रा को स्विम करते हुए देखा है। तो बेटा हाइड्रा बहुत ही रेयरली स्विम करता है, बहुत ही रेयरली मूव करता है, बहुत कम, इतना कम हाइड्रा जो है ना आप बोल सकते हो कि स्विम करता है कि हम उसको सेसाइल ही मान लेते हैं कि तुम भैया तुम रहने ही दो, ठीक है ना। तो हाइड्रा आप बोल सकते हो कि डेफिनेटली क्या है, एक फ्रेश वाटर निडेरियन है, फ्रेश वाटर सीलेंट रेट है, और ये बहुत 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 ही कम स्विम करता है, एकदम रेयरली मूव करता है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं कि भाई ये सेसाइल ही है, अधिकतर समय मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये सबस्ट्रेटम से ही चिपका मिलता है। मैंने आपको बताया ना कि किसी एक्वाटिक प्लांट की पत्ती के ऊपर चिपका बैठा हुआ आपको ये नज़र आ जाएगा। तो ये क्या होता है, ससाइल होता है, ये मूव नहीं कर सकता, ये अपनी पोजिशन चेंज नहीं कर सकता, बहुत रेयरली ऐसा होता है कि मूव कर जाए, अदरवाइज तो ये नहीं करता है, ठीक है ना। इसके अलावा ये देखो, ये मैंने आपको बताया था सी एनिमन, ये भी जो है सबस्ट्रेटम से ऐसे चिपका रहता है। ये देखो जो सी एनिमन है, ये भी सबस्ट्रेटम से, ये पूरा क्या है, सबस्ट्रेटम है, है ना। तो जो सी एनिमन है ये भी सबस्ट्रेटम से ऐसा चिपका रहता है, जुड़ा रहता है, ये मूव नहीं करता, ये भी क्या है, ये भी सेसाइल है, ये मोटाइल नहीं है, ये मूव नहीं कर सकता। सेसाइल का मतलब क्या होता है कि सबस्ट्रेटम से चिपका रहना, मूव ना कर पाना। तो ये भी ऐसा ही है, सी एनिमल ये सबस्ट्रेटम से, समुद्र के आप बोल सकते हो कि नीचे फ्लोर पर ये किसी सबस्ट्रेटम से चिपका रहेगा और जिंदगी भर चिपका रहता है, ये बिल्कुल भी मूव नहीं करता है, ठीक है ना। लेकिन अगर हम बात करेंगे जेलीफिश की, तो जेलीफिश के तो क्या कहने हैं, जेलीफिश तो मस्त जाना स्विम करती है। मतलब जेलीफिश आप बोल सकते हो कि ये वही सीलेंट रेट है जिसने कि आवाज़ उठाई थी कि ना 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 ना, भले हम एक्वेटिक रहें, भले ही हम एक्वेटिक हो, लेकिन हम मूव तो करेंगे, हमको इतनी फ्रीडम तो दो कि हम पानी में मूव कर पाएं, भले ही पानी में रहें लेकिन पानी में मूव तो कर पाएं। तो ये वही सीलेंट रेट है जिसने कि आवाज़ उठाई थी, और जहां आवाज़ उठाई इसको मिली क्या, फ्रीडम। और इसीलिए जेलीफिश जो है वो क्या है, एक ऐसी सीलेंट रेट है जो कि मोटाइल है, यानी कि ये मूव कर सकती है। आई मेरी बात समझ में? तो जिन्होंने आवाज़ उठाई वो सीलेंट रेट्स क्या हो गए, मोटाइल हो गए। जिन्होंने आवाज़ नहीं उठाई जैसे कि हाइड्रा और ये सी एनिमल, ये सेसाइल ही रह गए, ये बस सबस्ट्रेटम से जुड़े रहते हैं और ज़िंदगी भर जुड़े ही रहते हैं, ये अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो ऐसा है, यहाँ पे दो वर्ड्स हैं, एक है मेड्यूसा और एक है पॉलिप। एक है वर्ड मेड्यूसा और एक है वर्ड पॉलिप। मैम इसका क्या मतलब होता है, बताती हूँ। हमारे वो सीलेंट रेट्स या हमारे वो निडेरियंस जो कि मोटाइल हैं, जो कि मूव कर सकते हैं, उनको हमें कॉमन कैटेगरी में उठा करके डाल देते हैं। ये बेसिकली दो कैटेगरीज हैं, पॉलिप एंड मेड्यूसा, ये बेसिकली दो कैटेगरीज हैं। हमारे वो वाले सीलेंट रेट्स या हमारे वो वाले निडेरियंस जो कि मूव करते हैं, है ना, हमारे वो वाले सीलेंट रेट्स या निडेरियंस जो कि मूव करते हैं, जो कि मोटाइल होते हैं, जो अपनी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं, जैसे कि हमारे क्या जेलीफिश। तो उन निडेरियंस को हम क्या करते हैं, एक कॉमन कैटेगरी में रख देते हैं, और उस कैटेगरी का नाम क्या है, मेड्यूसा। तो ऐसे आप याद रख सकते हो कि M फॉर क्या होता है, मोटाइल, M फॉर मोटाइल। अभी अभी कुछ बच्चों को मोटाइल और सेसाइल में कन्फ्यूजन होती है। बेटा मोटाइल, मोटाइल मतलब क्या, देखो M फॉर मोशन, M फॉर मोशन एंड M फॉर मोटाइल। तो जो मोशन कर सकते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं ऑर्गेनिजम्स, ठीक है ना, ऑर्गेनिजम्स जो कि एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, जो अपनी पोजिशंस को चेंज कर सकते हैं, बेसिकली जो मोशन परफॉर्म कर सकते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, मोटाइल बोलते हैं, है ना। वो ऑर्गेनिजम्स
जो कि अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, अपनी जगह चेंज कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, मोटाइल ऑर्गेनिज्म। तो अब तो नहीं भूलोगे कभी भी, क्योंकि अभी भी मैं देखती हूँ कि कमेंट सेक्शन में बच्चे मुझसे पूछते हैं कि मैम मोटाइल का मतलब क्या होता है, सेसाइल का मतलब क्या होता है। तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि M फॉर मोशन, मोशन का मतलब क्या है कि एक जगह से दूसरी जगह जाना, पोजीशन चेंज करना, है ना। अरे मोशन का मतलब तो यही होता है कि एक जगह से दूसरी जगह जा पाना या पोजीशन अपनी चेंज कर पाना। तो हमारे वो वाले ऑर्गेनिजम्स जो कि मोशन परफॉर्म करते हैं, कैसे, हमारे वो वाले ऑर्गेनिजम्स जो कि अपनी पोजीशन चेंज करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर जा पाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, मोटाइल ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोटाइल ऑर्गेनिजम्स। तो M फॉर मोशन, M फॉर मोटाइल, और M फॉर मेड्यूसा, M फॉर मेड्यूसा। मेरी बात आ रही ना समझ में कि M का मतलब क्या है, M फॉर मोशन, M फॉर मोशन, कि ऑर्गेनिजम्स क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, वो मोशन में हैं, वो अपनी पोजीशंस चेंज कर रहे हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। तो M फॉर मोशन। और ऐसे ही ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं, ऐसे ही ऑर्गेनिजम्स को, वो ऑर्गेनिजम्स जो कि मोशन परफॉर्म करते हैं ना, वो ऑर्गेनिजम्स जो कि मोशन परफॉर्म करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं क्या, मोटाइल ऑर्गेनिजम्स। तो M फॉर मोशन, M फॉर मोटाइल। तो हमारे जो मोटाइल सीलेंट्रेट्स हैं, जो हमारे मोटाइल निडेरियंस हैं, जैसे कि जेलीफिश, इसने आवाज़ उठाई कि ना भले ही मैं पानी में रहूं लेकिन मुझे मूव करने की, मुझे मोशन परफॉर्म करने की फ्रीडम चाहिए, लिबर्टी चाहिए। आई मेरी बात समझ में? तो हमारे वो या आप ऐसे समझ सकते हो कि हमारे जो मोटाइल सीलेंट्रेट्स हैं, हमारे जो मोटाइल निडेरियंस हैं, उनको हमें कॉमन कैटेगरी में डाल देते हैं, और उस कैटेगरी का नाम क्या है, मेड्यूसा। तो M फॉर मोशन, M फॉर मोटाइल। तो जो मोटाइल सीलेंट्रेट्स हैं, जो मोटाइल सीलेंट्रेट्स हैं, जो मोटाइल निडेरियंस हैं, उनको हम कौन सी कैटेगरी में डालेंगे, मेड्यूसा में डालेंगे। एक याद रखो तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। मैंने आपको क्या बताया, M फॉर मोशन, M फॉर मोटाइल, कि वो ऑर्गेनिजम्स जो कि मूव कर सकते हैं, अरे वो ऑर्गेनिजम्स जो कि मूव कर सकते हैं, जो कि मोशन में होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं मोटाइल ऑर्गेनिजम्स। तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा क्या, सेसाइल, सेसाइल। इसको ऐसे आप याद रख सकते हो कि S फॉर स्टेशनरी, S फॉर स्टेशनरी, स्टेशनरी मतलब कि रेस्ट पर है, बिल्कुल आप बोल सकते हो कि मूव नहीं कर रहे हैं। स्टेशनरी का मतलब क्या है बेटा, वो पेन पेंसिल वाली नहीं स्टेशनरी, बायोलॉजी में स्टेशनरी का मतलब होता है रेस्ट पर होना। तो S फॉर स्टेशनरी, कि जो ऑर्गेनिज्म है वो रेस्ट पर है, वो मूव नहीं कर रहा है। और S फॉर सेसाइल, कि मतलब वो ऑर्गेनिजम्स जो कि हमेशा रेस्ट पर रहते हैं, वो ऑर्गेनिजम्स जो कि हमेशा रेस्ट पर रहते हैं, जो कि मूव नहीं करते हैं, जो कि बिल्कुल मोशन परफॉर्म नहीं करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं सेसाइल ऑर्गेनिजम्स। तो अब याद रहेगा ना, M फॉर मोशन, M फॉर मोटाइल, S फॉर स्टेशनरी यानी कि रेस्ट पर मूव नहीं करना, तो S फॉर सेसाइल। तो अब मोटाइल और सेसाइल में प्लीज कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना। तो हमारे वो वाले सीलेंट्रेट्स, हमारे वो वाले निडेरियंस जिनने आवाज़ नहीं उठाई थी कि उनको भी मूव करना है, उनने आवाज़ नहीं उठाई तो उनको मूव करने की जो फ्रीडम है वो मिले भी नहीं। अरे आवाज़ नहीं उठाई उन्होंने, जैसे कि सी एनिमन हो गया, हाइड्रा हो गया, इनने आवाज़ नहीं उठाई थी, तो जिन्होंने आवाज़ नहीं उठाई उनको मूव करने की फ्रीडम नहीं मिली। तो जो मूव नहीं करते हैं वो क्या होते हैं, स्टेशनरी। स्टेशनरी मतलब क्या, सेसाइल। तो हमारे जो सेसाइल सीलेंट्रेट्स हैं,
हमारे वो वाले सीलेंट्रेट्स, हमारे वो वाले निडेरियंस जो कि मूव नहीं करते हैं, बस सबस्ट्रेटम से चिपके रहते हैं, उन्हें हम बोलते हैं सेसाइल सीलेंट्रेट्स। और सेसाइल सीलेंट्रेट्स या सेसाइल निडेरियंस को हम एक कॉमन कैटेगरी में डाल देते हैं, और उस कैटेगरी का नाम क्या है, उसका नाम है पॉलिप। क्या नाम है? पॉलिप। तो इसीलिए मैंने कहा था कि एक याद रखो तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। या तो ये आप याद रख सकते हो या ये वाला याद रख सकते हो, कोई एक कर लो तो अपने आप दूसरा याद हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे मोटाइल निडेरियंस, हमारे मोटाइल सीलेंट्रेट्स, हमारे मोटाइल निडेरियंस या हमारे मोटाइल सीलेंट्रेट्स को हम एक कॉमन कैटेगरी में डालते हैं, उसका नाम क्या है? मेड्यूसा। एम फॉर मोटाइल, एम फॉर मेड्यूसा। हमारे स्टेशनरी या हमारे सेसाइल सीलेंट्रेट्स, हमारे सेसाइल सीलेंट्रेट्स या हमारे सेसाइल निडेरियंस, हमारे सेसाइल सीलेंट्रेट्स, हमारे सेसाइल निडेरियंस, इनको हम उठा करके एक कॉमन कैटेगरी में डालते हैं, और उसका नाम क्या है? पॉलिप। क्या नाम है? पॉलिप। ठीक है ना। चलो मैम अब क्या करेंगे बताती हूँ। अब थोड़ा सा हम इनका बॉडी फॉर्म समझते हैं, इनका हम बॉडी फॉर्म समझते हैं कि इनकी बॉडी एग्जैक्टली कैसे होती है। तो यहाँ पर अब मैं आपके सामने हाइड्रा ड्रॉ करूँगी। क्या करूँगी? यहाँ पर मैं हाइड्रा ड्रॉ करूँगी। ठीक है ना। तो हाइड्रा का सबसे पहले ये क्या है? माउथ। क्या है? माउथ। फिर इसके बाद में एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम हाइपोस्टोम होता है। आपके सिलेबस में नहीं है, अगर नाम याद रख सकते हो तो रख लो, वरना कोई ज़रूरी नहीं है, है ना। तो ये क्या है? अभी मैं हाइड्रा का बॉडी फॉर्म ड्रॉ कर रही हूँ। क्या है? ये बॉडी फॉर्म है। बॉडी फॉर्म किसका? हाइड्रा का। ये क्या है? इसका माउथ है, गोल गोल। ये क्या है? माउथ है। ये क्या है? एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है, हाइपोस्टोम इसका नाम है। आपके सिलेबस में इतना डिटेल में नहीं है। फिर इसके बाद में ये पूरी क्या होगी? ये पूरी क्या होगी? इसकी बॉडी वॉल होगी। ये क्या होगी? इसकी बॉडी वॉल। व्हाट इज दिस? दिस इज बॉडी वॉल। लेबलिंग भी करती जा रही हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। अब जाहिर सी बात है, माउथ है तो एलिमेंट्री कैनाल भी होगी, है ना। माउथ है तो एलिमेंट्री कैनाल भी होगी। ये देखो, इसकी एलिमेंट्री कैनाल जो ना, ये जा रही है। और हमें ऐसा लगता है कि माउथ है, माउथ के नीचे क्या है? एलिमेंट्री कैनाल है। माउथ से क्या कंटिन्यू हो रही है? एलिमेंट्री कैनाल कंटिन्यू हो रही है। तो जाहिर सी बात है, एलिमेंट्री कैनाल कहीं ना कहीं जा कर के खुलेगी भी, और जहाँ खुलेगी उसको हम क्या बोलेंगे? एनस बोलेंगे, जैसा कि हम में होता है। अरे भाई, ह्यूमन बींग्स में भी तो ऐसे ही होता है, माउथ होता है, है ना। ह्यूमन बींग्स में भी क्या होता है बेटा? माउथ होता है। ऐसा माउथ होता है, माउथ कंटिन्यू होता है किस में? फूड पाइप में, यानी कि ईसोफेगस में। ये आता है क्या? ईसोफेगस। फिर इसके बाद में ईसोफेगस से आगे क्या आता है? स्टमक। क्या आता है? स्टमक आता है। ये लो, ये बना दिया मैंने, क्या? स्टमक। ठीक है ना, कुछ ऐसा। फिर इसके बाद में स्टमक कहाँ जाकर के खुलता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्टमक कहाँ जाके खुलेगा बेटा? स्मॉल इंटेस्टाइन में, कुछ इस तरीके से। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ जाके खुलती है? लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ जाके खुलेगी? लार्ज इंटेस्टाइन में, ये कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये खुल गई क्या? स्मॉल इंटेस्टाइन। ये क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन है। ये पूरी क्या है? इसको एक काम करें, रेड से बनाएं तो क्लियरली समझ में आएगा। रेड से बनाते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा। ये जो ब्लैक है ऐसी सांप जैसी, ये क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन। ये रेड क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है ना, ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है ये आगे जाकर के खुलती है। ये लार्ज इंटेस्टाइन आगे जाकर के खुलती है किसमें? रेक्टम में। और रेक्टम आगे जाकर के खुलता है किसमें? एनस में। तो ये क्या है बेटा? एनस है। ये क्या था हमारा? माउथ था।
तो इतनी कायदे की एलिमेंट्री कैनाल हमारे बॉडी में होती है, इतने कायदे की एलिमेंट, इतनी अच्छी एलिमेंट्री कैनाल हमारी बॉडी में होती है कि शुरुआत कहाँ से हो रही है, माउथ से हो रही है। ये माउथ आगे कंटिन्यू होता है किस में, ईसोफेगस में। ये क्या है? ईसोफेगस है, फूड पाइप। ये क्या है बेटा? फूड पाइप। तो हमारे पास माउथ है, हमारे पास माउथ है, ये माउथ आगे कंटिन्यू कहाँ होता है? ईसोफेगस में, यानी कि फूड पाइप में। फिर फूड पाइप कहाँ जाता है? स्टमक में जाता है। ये क्या है? दिस इज स्टमक। स्टमक आगे जाकर के कहाँ खुलता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ खुलेगी? इसमें लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन कहाँ खुलेगा? रेक्टम में। रेक्टम कहाँ खुलेगा? एनस में। तो एक ओपनिंग होती है, माउथ ओपनिंग होती है खाना अंदर डालने के लिए, और एनस ओपनिंग होती है अनअब्जॉर्ब्ड फूड को बाहर निकालने के लिए। इतनी सुंदर सी, इतनी प्रॉपर एलिमेंट्री कैनाल होती है हमारी बॉडी में कि इस एलिमेंट्री कैनाल की दो ओपनिंग्स होती हैं बेटा। इस एलिमेंट्री कैनाल की दो ओपनिंग्स होती हैं। एक ओपनिंग हो गई माउथ, जिससे कि खाना अंदर आ रहा है। दूसरी ओपनिंग हो गई कौन सी? एनस, जिससे कि अनअब्जॉर्ब्ड फूड बाहर जा रहा है पॉटी के फॉर्म में, है ना। तो कहीं ना कहीं हम इससे भी यही एक्सपेक्ट करते हैं कि हाइड्रा के पास क्या है? माउथ है। हाइड्रा के पास क्या है बेटा? माउथ है, है ना। माउथ से नीचे क्या होगा? माउथ से नीचे एलिमेंट्री कैनाल जाएगी, और ये एलिमेंट्री कैनाल कहीं ना कहीं जाकर के किसी ओपनिंग से खुलेगी भी। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा हो जाए तो फिर ये इंसान ही ना बन जाए। इंसान में होती है एलिमेंट्री कैनाल की दो दो ओपनिंग, एक माउथ दूसरी एनस, एक माउथ दूसरी एनस। एक से खाना अंदर आएगा, दूसरे से अनअब्जॉर्ब्ड फूड पॉटी के फॉर्म में बाहर जाएगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। इसकी एलिमेंट्री कैनाल में इसकी तो पूरा ही मिट गया, कोई बात नहीं, फिर से बना देते हैं, क्या बड़ी बात है। इसकी एलिमेंट्री कैनाल में केवल एक ही ओपनिंग होती है, इसकी एलिमेंट्री कैनाल में केवल एक ही ओपनिंग होती है, एंड दैट ओपनिंग इज व्हाट? पहले ही बना चुके हैं, माउथ। ये माउथ। तो हाइड्रा के पास माउथ है, माउथ से आगे क्या कंटिन्यू होगा? एलिमेंट्री कैनाल। ये क्या है? एलिमेंट्री कैनाल। लेकिन ये एलिमेंट्री कैनाल कैसी होती है? इनकम्प्लीट होती है। मैम इनकम्प्लीट क्यों बेटा? कंप्लीट तो इसको बोलेंगे ना, कंप्लीट तो इसको बोलेंगे जिसमें कि कायदे की दो ओपनिंग होगी एलिमेंट्री कैनाल में, एक माउथ जिससे कि खाना अंदर आएगा, एक एनस जिससे कि अनअब्जॉर्ब्ड फूड बाहर जाएगा। तो कायदे की एलिमेंट्री कैनाल तो ये है, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल तो ये है जिसमें कि दो दो ओपनिंग्स होती हैं। इसमें क्या है? इसमें तो केवल एक ही ओपनिंग है, माउथ है, है ना। माउथ आगे कंटिन्यू होता है किसमें? एलिमेंट्री कैनाल में। हमें लगता है कि ये एलिमेंट्री कैनाल भी कहीं आगे जाकर के खुलेगी किसी ओपनिंग से, ना, ये यहीं के यहीं बंद हो जाती है। हमें ऐसा लगता है कि हाइड्रा के पास माउथ है, ये माउथ आगे कंटिन्यू हो रहा है एलिमेंट्री कैनाल में, तो ये एलिमेंट्री कैनाल कहीं ना कहीं जाकर के किसी दूसरी ओपनिंग से खुलेगी भी। ये नीचे आकर के ऐसे बंद हो जाती है। इसका मतलब क्या कि इस एलिमेंट्री कैनाल में केवल एक ही ओपनिंग है, और वो ओपनिंग कौन है? माउथ है। तो क्योंकि एलिमेंट्री कैनाल में केवल एक ही ओपनिंग है माउथ, इसीलिए एलिमेंट्री कैनाल कैसी है? इनकम्प्लीट है। कैसी है एलिमेंट्री कैनाल बेटा? इनकम्प्लीट है। और ऐसी इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल वाले बॉडी प्लान को हम क्या बोलते हैं? ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। क्या बोलते हैं? ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। मेरी बात पल्ले पड़ रही है ना? मैं आपसे बस इतना बोल रही हूँ कि ये जो हाइड्रा की एलिमेंट्री कैनाल है, ये इनकम्प्लीट है। क्यों इनकम्प्लीट है? क्योंकि इस एलिमेंट्री कैनाल में केवल एक ही ओपनिंग है, और वो कौन सा? माउथ। कोई एनस नहीं है। तो हाइड्रा की एलिमेंट्री कैनाल इनकम्प्लीट है। क्यों? क्योंकि उसके पास केवल एक ही ओपनिंग है, दो ओपनिंग नहीं है। जब दो ओपनिंग होती है माउथ और एनस, तब हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल को कम्प्लीट। यहाँ पर तो नहीं है, इसलिए क्या है? एलिमेंट्री कैनाल इनकम्प्लीट है। और ऐसी इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल वाले बॉडी प्लान को हम क्या बोलते हैं? ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान बोलते हैं। ठीक है, चलो। अब आपके दिमाग में डाउट आएगा कि मैम
माउथ तो है, तो माउथ से खाना अंदर आ जाएगा, बिल्कुल सही बात है। चलो उस खाने का डाइजेशन भी हो गया, ठीक है, अब्सॉर्प्शन भी हो गया, ठीक है, लेकिन कुछ अनअब्सॉर्ब्ड फूड रह भी तो जाएगा ना, वो कैसे बाहर निकलेगा? इसी ओपनिंग से, यानी कि माउथ से ही खाना आ रहा है और पॉटी भी माउथ से ही जा रही है। दैट्स ग्रोस, आई नो, पर जैसा होता है वही है, ठीक है ना। तो एक ही ओपनिंग है, उसी ओपनिंग से काम चलाना है, खाना भी वहीं से आ रहा है ना, पॉटी भी वहीं से जा रही है, सब कुछ वहीं से हो रहा है, तो एक ही ओपनिंग है, उसी से काम चलाना है। अब यहाँ पर होते हैं कुछ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स, यहाँ पे होते हैं कुछ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स जिन्हें हम बोलते हैं टेंटिकल्स। क्या बोलेंगे? टेंटिकल्स। मैम टेंटिकल्स क्यों बोल रहे हैं? अरे बोलते हैं, वही नाम है उसका, मैं क्या कर सकती हूँ उसमें, मैंने नाम भी रखा है ना, वो नाम पहले से है इसलिए। तो इन स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं? इन स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं? टेंटिकल्स बोलते हैं। और आपको पता है कि इन टेंटिकल्स में होते हैं कुछ बेहतरीन तरीके के सेल्स, इन टेंटिकल्स में होते हैं कुछ बेहतरीन तरीके के सेल्स। यहाँ ये दिख रहा है, ये इन टेंटिकल्स में क्या होता है बेटा? इन टेंटिकल्स में होते हैं कुछ बेहतरीन तरीके के सेल्स, और इन्हीं सेल्स को हम क्या बोलते हैं? नीडोब्लास्ट्स। क्या बोलते हैं? नीडोब्लास्ट्स। शायद बत्ती दिमाग की जल जाए अब। मैंने आपको सेशन की शुरुआत में बताया था कि इस फाइलम का नाम निडेरिया किसी रीज़न से पड़ा है। क्या रीज़न है? अब धीरे धीरे जो है ना, वो रीज़न डिस्क्लोज हो रहा है कि हाइड्रा में इतना पूरा आपको स्ट्रक्चर समझ में आया, फिर इसके बाद में ये टेंटिकल्स नज़र आए। टेंटिकल्स में कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, कुछ बेहतरीन तरीके के सेल्स होते हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं? नीडोब्लास्ट्स कहते हैं, नीडोब्लास्ट बोलते हैं। मैम इनका काम क्या होता है? अरे ये बहुत ख़तरनाक सेल होते हैं, इनका जो शेप है ना सेल का, वो आप बोल सकते हो कि सांप जैसा होता है, नाग जैसा होता है, कुछ ऐसा। बना करके भी दिखा देती हूँ, ऐसी बात नहीं है। देखो यहाँ पे ऐसा शेप होता है नीडोब्लास्ट सेल का, और यहाँ से निकलता है क्या? एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं नीडोसिस्ट। क्या बोलते हैं? नीडोसिस्ट। मैम इस नीडोसिस्ट से क्या होता है? वेरी डेंजरस। ये जो नीडोसिस्ट है ना, ये बहुत डेंजरस होती है। क्यों? ये देखो हाइड्रा है, इसको कुछ ठूसना तो है ना, कुछ खाना तो है, ये क्या करेगा? सामने इसे देखेगा कुछ इंसेक्ट हाइड्रा को। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हाइड्रा है ये ससाइल ही होता है ना, ये क्या है? ये एक पॉलिप है। ये क्या है बेटा? ये एक पॉलिप है, बहुत ही रेयरली मूव करता है ये, बहुत रेयरली, अधिकतर समय ये जुड़ा ही रहता है सबस्ट्रेटम से। अब अगर ये सबस्ट्रेटम से जुड़ा हुआ है तो ये अपने सबस्ट्रेटम से जुड़ा रह करके खाना कैसे खाएगा? खाना अगर पास में आ गया तो ये उसको खा लेगा, लेकिन अगर खाना दूर है तो फिर ये कैसे जाएगा? जा तो सकता नहीं है। अगर आपके किचन में चिप्स रखे हुए हों तो आपके पास तो पैर है, भगवान ने आपको पैर दिए, उसका इस्तेमाल करो, जाओ चल के और लेकर के आ जाओ। लेकिन इनके पास तो ऐसा कुछ नहीं है स्कोप, ये तो जहाँ जुड़े सो वहाँ जुड़े, ये मूव कर ही नहीं सकते, पॉलिप हमारे है ना। तो इनके लिए मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ पॉलिप के पास ही ये क्या बोलते हैं सेल्स होते हैं, जितने भी सीलेंट्रेट्स हैं, जेलीफिश वगैरह, सबके पास जो है ना ये स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? नीडोब्लास्ट्स कहते हैं, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के प्रकृति ने इनको कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स दे दिए हैं, नीडोब्लास्ट्स सेल्स दे दिए हैं ताकि ये अपने खाने का इंतजाम कर लें। मैगी तो बना नहीं सकते 2 मिनट में, है ना, तो कुछ ना कुछ तो करके खाना ऑप्टेन करना है ना। क्या हम तो जाकर के समुद्र में इनको खाना दे करके आते नहीं कि आ आ आ ले 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 ले, हम तो ऐसा नहीं करते हैं ना। इनको अपने खाने का इंतजाम खुद ही करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा वही मैं आपको सिखा रही हूँ। तो जैसे कि सपोज मैं हाइड्रा हूँ, मैं कौन हूँ? मैं एक हाइड्रा हूँ और मैं ऐसी चिपकी हुई हूँ किसी पत्ती से, किसी एक्वेटिक प्लांट की पत्ती से मैं ऐसी चिपकी हुई हूँ। मेरे ऊपर से एक इंसेक्ट जा रहा है, अब मुझे भूख लगी, बहुत कस के भूख लगी, मैं चाहती हूँ कि इस कीड़े को मैं खा लूँ, लेकिन कैसे खा लूँ? अगर मैं बुलाऊँगी कीड़े को कि सुन भाई इधर आ, तो वो आएगा तो नहीं। अरे भाई कौन मरना चाहता है? इंसेक्ट को भी पता है कि अगर वो मेरे पास आया, मतलब कि हाइड्रा के पास आया, तो मैं उसको खा जाऊँगी पकड़ करके, तो वो मेरे पास नहीं आएगा। लेकिन फिर भी खाना तो मुझे वही है, तो मैं क्या करूँगी?
टेंटिकल्स में ये जो नीडोब्लास्ट सेल होते हैं, टेंटिकल्स में मेरे टेंटिकल्स हैं ऐसे ऐसे, ठीक है ना, इन टेंटिकल्स में जो नीडोब्लास्ट सेल होते हैं ना, मैं इन नीडोब्लास्ट सेल को छोड़ दूंगी कि जा सिमरन जी ले अपनी ज़िंदगी। तो मैं हाइड्रा हूँ, मेरे टेंटिकल्स हैं, टेंटिकल्स से मैंने क्या करा है, कुछ नीडोब्लास्ट सेल छोड़ दिए हैं मैंने। अब यही नीडोब्लास्ट सेल जाएंगे कहाँ, इंसेक्ट के ऊपर, इंसेक्ट के पास जाएंगे। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि नीडोब्लास्ट सेल्स जो होते हैं ना, उनका शेप ऐसा होता है, ऐसा नाग जैसा होता है। ये क्या है, ये एक नीडोब्लास्ट सेल है, ये क्या है, ये एक नीडोब्लास्ट सेल है। और ये नीडोब्लास्ट सेल क्या करता है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकालता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकालता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, नीडोसिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नीडोसिस्ट बोलते हैं। तो मैं हाइड्रा हूँ, मैंने अपने टेंटिकल्स से नीडोब्लास्ट सेल्स छोड़ दिए हैं। अब एक सेल गया इंसेक्ट के पास, एक नीडोब्लास्ट सेल, एक नीडोब्लास्ट सेल गया इंसेक्ट के पास, और इंसेक्ट के पास जाकर के ये नीडोसिस्ट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकाल देता है। मेरी बात आ रही ना समझ में, कि मैं एक हाइड्रा हूँ, मेरे टेंटिकल्स हैं, टेंटिकल्स से मैंने क्या करे हैं, कुछ नीडोब्लास्ट सेल्स छोड़ दिए हैं। अब एक नीडोब्लास्ट सेल गया है इंसेक्ट के पास, इंसेक्ट के पास जाकर के उस नीडोब्लास्ट सेल ने क्या करा, अपना ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना दिया, जिसे हम बोलते हैं नीडोसिस्ट। ये नीडोसिस्ट पता है क्या करेगा, जैसे कि सपोज ये एक इंसेक्ट है, ये क्या है, ये एक इंसेक्ट है, तो इस इंसेक्ट के ऊपर ये जो नीडोसिस्ट है, ये जो आप बोल सकते हो कि जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ये पूरा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये पूरा नीडोसिस्ट जा करके इंसेक्ट को लपेट लेगा। जैसे कि वो होता ना अजगर, वो कैसे लपेट लेता है, वैसे ही है ना। तो ये एक इंसेक्ट था, पानी में ही था, इसके पास कौन गया, इसके पास गया, ये इंसेक्ट था पर्पल कलर का, इसके पास गया ये नीडोब्लास्ट सेल। कैसे गया, अरे मैंने छोड़ा ना, हाइड्रा ने छोड़ा अपने टेंटिकल्स से बहुत सारे नीडोब्लास्ट सेल्स। तो एक नीडोब्लास्ट सेल, ये क्या है बेटा, ये है नीडोब्लास्ट सेल, ये एक नीडोब्लास्ट सेल गया इंसेक्ट के पास, और इंसेक्ट के पास जाकर के इसने अपना थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर यानी कि नीडोसिस्ट छोड़ दिया। छोड़ा मतलब कि, मतलब आप बोल सकते हो कि उसको खोल दिया, ऐसा मान लो, है ना। तो नीडोब्लास्ट सेल गया इंसेक्ट के पास, और जा करके इस सेल ने अपना जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है नीडोसिस्ट, उसको रिलीज कर दिया। ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ये जो नीडोसिस्ट है, ये जा करके इंसेक्ट को लपेट देगा। मैम लपेटा क्यों बेटा, ऐसा है कि ये जो नीडोसिस्ट है ना, इसमें पता है क्या होता है, पॉइजन होता है, हिप्नोटॉक्सिन, मतलब कि हिप्नोटाइज करने वाला टॉक्सिन। तो इस नीडोसिस्ट में होता है क्या, टॉक्सिन, इस नीडोसिस्ट में होता है क्या, टॉक्सिन। तो बेसिकली नीडोसिस्ट क्या करना चाहता है, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्या करना चाहता है नीडोसिस्ट, ये इंसेक्ट के अंदर टॉक्सिन जो है इंजेक्ट करना चाहता है। आपके पास कोई इंजेक्शन लेकर के आएगा तो आप दौड़ोगे ना, दौड़ के भागोगे, उससे दूर भागोगे। अब अगर आप भागोगे और जो इंजेक्शन लेकर के आ रहा है वो भी भागता रहेगा, आप भी भाग रहे हो, इंजेक्शन देने वाला भी क्या कर रहा है, भागता जा रहा है, तो आप तो भागोगे, आप तो भागते ही रहोगे। इंजेक्शन देने वाला थक जाएगा कि अरे यार कब तक भागेंगे, हट अब नहीं भाग रहा है, तो आप क्या होगे, इंजेक्शन से बच जाओगे। तो वैसे ही ये जो नीडोसिस्ट है, इसमें क्या है, टॉक्सिन है। और ये नीडोसिस्ट क्या चाहता है, मतलब ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्या चाहता है, इस इंसेक्ट में टॉक्सिन जो है ना इंजेक्ट करना चाहता है। अब कीड़े को भी पता है, इंसेक्ट को भी पता है कि अगर मैं यहाँ पे रहा तो मेरे अंदर टॉक्सिन आ जाएगा, मेरे अंदर टॉक्सिन जो है ना, मेरे अंदर टॉक्सिन इंजेक्ट कर दिया जाएगा, तो जाहिर सी बात है इंसेक्ट भागने की कोशिश करेगा। अरे कौन गधा होगा जो टॉक्सिन से जो है ना इंजेक्ट करवाने के लिए अपने अंदर बैठा रहेगा, तो इंसेक्ट जो है भागेगा। तो वो भागने ना पाए, इसीलिए जो नीडोसिस्ट है ये क्या करती है, जो नीडोसिस्ट है ना, या बोल सकते हो कि इंसेक्ट को लपेट लेती है, या इंसेक्ट के ऊपर आकर के नीडोसिस्ट लपेट जाता है। मेरी बात आ रही ना बेटा समझ में, इस नीडोसिस्ट को
पॉइजन इंजेक्ट करना है इंसेक्ट के अंदर। अब इंसेक्ट को पता है कि पॉइजन डलने वाला है, तो इंसेक्ट जो है गधा तो है नहीं, वो भागने की कोशिश करेगा। कितना दूर भागेगा? ज़्यादा दूर ना भाग जाए, इसीलिए जो नीडोसिस्ट है सबसे पहले क्या करता है, इंसेक्ट के ऊपर जाकर के अपने आप को लपेट देता है। नीडोसिस्ट ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नीडोब्लास्ट सेल का इंसेक्ट के ऊपर जाकर के सबसे पहले अपने आप को लपेट देता है। लपेटने से क्या होगा कि इंसेक्ट जो है भाग नहीं पाएगा, और एक बार जब लपेट गया नीडोसिस्ट इंसेक्ट के ऊपर, अब नीडोसिस्ट क्या करेगा, जा करके पॉइजन इंजेक्ट कर देगा इंसेक्ट के अंदर। नीडोसिस्ट ने अपने आप को लपेट लिया कीड़े के ऊपर, तो कीड़ा भाग नहीं पाएगा। और जब जैसे ही थोड़ी सिचुएशन अंडर कंट्रोल हुई, तो नीडोसिस्ट क्या करेगा, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्या करेगा, जा करके पॉइजन घुसा देगा इंसेक्ट के अंदर। और जहाँ पॉइजन गया इंसेक्ट के अंदर, इंसेक्ट जो है ऐसे बेहोश होने लगेगा। और जहाँ इंसेक्ट बेहोश हुआ, हाइड्रा मुंह खोल करके खड़ा है। ये सब कांड कहाँ हो रहा है, ये सब जो है हाइड्रा के मुंह के ऊपर ही हो रहा है ना, ये सब कहाँ हो रहा है, ये सब कुछ हाइड्रा के मुंह के ऊपर ही हो रहा है। तो जहाँ इंसेक्ट के अंदर पॉइजन घुसाया गया, इंसेक्ट हुआ बेहोश, और जैसे वो बेहोश हुआ, हिप्नोटाइज हुआ, वो नीचे आकर के गिरा। और जहाँ वो नीचे आकर के गिरा, हाइड्रा ने मुंह खोल करके उसको अंदर ले लिया, तो बस फिर यही होगा क्या, हाइड्रा के खाना खाने का तरीका। अब इंसेक्ट तो अंदर चला गया, मतलब कि फूड तो अंदर चला गया, अब उसका डाइजेशन भी तो कर रहा है ना। कैसे होगा डाइजेशन, वो मैं आपको बताती हूँ। देखो यहाँ पे डाइजेशन के लिए ये जो बॉडी वॉल है ना, एक काम करते हैं, इस एलिमेंट्री कैनाल को थोड़ा सा हम मोटा बनाते हैं, ताकि चीज़ें बनानी थोड़ी सी आसान हो जाए, ठीक है ना। तो एलिमेंट्री कैनाल को मैंने थोड़ा सा मोटा बना दिया है, ठीक है ना। अब देखो होता ये है कि जो बॉडी वॉल है ना, उस पर कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, और इन्हीं सेल्स को हम क्या बोलते हैं बेटा, ग्लैंड सेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्लैंड सेल्स। कुछ ज़्यादा ही बना दिए हैं, इतने सारे नहीं होते हैं, थोड़े से ही होते हैं। हाइड्रा खुद छोटा सा है, 1 सेंटीमीटर, तो ग्लैंड सेल्स कितने ही होंगे उसमें, है ना। तो बॉडी वॉल में कुछ सेल्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं ग्लैंड सेल्स। ये ग्लैंड सेल्स क्या करते हैं, एंजाइम्स निकालते हैं। और ये एंजाइम्स कहाँ जाते हैं बेटा, एंजाइम्स जाते हैं इसी एलिमेंट्री कैनाल में, मतलब कि कैविटी के अंदर। देखो हाइड्रा ने जो भी खाना खाया है, हाइड्रा ने बेटा मुंह खोल करके जो भी खाना खाया है, वो खाना कहाँ आएगा, वो खाना एलिमेंट्री कैनाल में ही तो आएगा ना। तो हाइड्रा ने खाना खाया, उसका फूड कहाँ आ गया, एलिमेंट्री कैनाल में आ गया। अब इसका करना है डाइजेशन, कैसे होगा डाइजेशन। तो बॉडी वॉल में कुछ जो सेल्स होते हैं जिनको हम ग्लैंड सेल्स बोलते हैं, ये ग्लैंड सेल्स क्या करते हैं, एंजाइम्स रिलीज करते हैं। ये ग्लैंड सेल्स क्या करेंगे बेटा, एंजाइम्स रिलीज करेंगे। और यही एंजाइम्स कहाँ आ जाते हैं, इसी एलिमेंट्री कैनाल में आ जाते हैं। ये एंजाइम्स कहाँ आएंगे, ये एंजाइम्स आएंगे इसी एलिमेंट्री कैनाल या कैविटी में। तो अब सुनो, ये जो एलिमेंट्री कैनाल है, ये जो कैविटी है ना, इसमें है खाना, फूड। फूड के अलावा इस एलिमेंट्री कैनाल में अब एंजाइम्स भी हैं। और हाँ, वो एंजाइम्स कौन से होते हैं, वो होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स। कौन से होते हैं एंजाइम्स, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। तो कुल मिलाकर के इस एलिमेंट्री कैनाल में, इस कैविटी में खाना भी है और डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी हैं। और खाना कैसे आया है एलिमेंट्री कैनाल में, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। हाइड्रा ने खाना कैसे खाया है, नीडोब्लास्ट्स सेल्स की मदद से, ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया कि भाई जैसे ही इंसेक्ट की बॉडी में टॉक्सिन जाएगा, इंसेक्ट हो जाएगा बेहोश। अब उसे कोई होश नहीं रहेगा, अब वो जो इंसेक्ट है वो नीचे गिरता जाएगा। नीचे कौन है, नीचे है ये हाइड्रा, अपना मुंह खोल करके ऐसे खड़ा हुआ है। तो इंसेक्ट के अंदर
इंसेक्ट के अंदर, कीड़े के अंदर, जैसे ही टॉक्सिन गया इंसेक्ट हो गया बेहोश, हिप्नोटाइज हो गया, उसको अब कोई होश नहीं है, अब वो नीचे गिरता जा रहा है। नीचे कौन है? हाइड्रा है, अपना मुंह खोल करके ऐसे खड़ा हुआ है ऐसे। तो अल्टीमेटली होगा क्या, जो इंसेक्ट है ना वो हाइड्रा के मुंह में आकर के गिर जाएगा। इंसेक्ट क्या होगा भाई, वो तो बेहोश है ना, इंसेक्ट हिप्नोटाइज हो चुका है, अब उसे होश नहीं है इंसेक्ट को कि अब उसका क्या होने वाला है, वो कहाँ जा रहा है, अब उसे कुछ खबर नहीं है। बस जो बेहोश इंसेक्ट है वो नीचे गिरता जा रहा है, इतना नीचे गिरेगा, इतना नीचे गिरेगा कि अल्टीमेटली वो इंसेक्ट आ जाएगा, वो बेहोश इंसेक्ट आ जाएगा हाइड्रा के माउथ में, हाइड्रा के मुंह में। फिर मुंह के बाद कहाँ जाएगा, माउथ के बाद कहाँ जाएगा? अरे माउथ के बाद है क्या, माउथ के बाद है क्या, माउथ के बाद ये एलिमेंट्री कैनाल है ना। माउथ के बाद क्या है बेटा, मुंह के बाद क्या है, एलिमेंट्री कैनाल है। तो हाइड्रा के मुंह में, हाइड्रा के माउथ में जो इंसेक्ट आया है, हाइड्रा के माउथ में जो इंसेक्ट आया है, अब वो इंसेक्ट कहाँ जाएगा, वो जाएगा एलिमेंट्री कैनाल में, जाहिर सी बात है। तो कुल मिलाकर के एलिमेंट्री कैनाल में इंसेक्ट आ गया। अब जब एलिमेंट्री कैनाल में इंसेक्ट आ गया है ना, तो अब उसको हम इंसेक्ट नहीं बोलेंगे, अब उसको हम हाइड्रा का खाना बोलेंगे, अब उसको फूड बोलना शुरू कर दो। ये जो आपको रेड कलर के जो दो डॉट्स दिख रहे होंगे ना, ये डॉट्स क्या हैं, ये डॉट्स हाइड्रा का खाना ही है। लिख देती हूँ मैं यहाँ पर, ये क्या है, दो रेड कलर के जो आपको डॉट्स नज़र आ रहे हैं, ये डॉट्स क्या हैं, हाइड्रा का खाना है। तो जब तक इंसेक्ट पानी में ही है, जब तक इंसेक्ट पानी में ही है, उसको हम इंसेक्ट बोल रहे थे। लेकिन जैसे ही वो इंसेक्ट हाइड्रा के माउथ में आ जाता है, माउथ से एलिमेंट्री कैनाल में आ जाता है, अब उसको हम इंसेक्ट नहीं बोलेंगे, अब उसको हम फूड बोलेंगे, हाइड्रा का खाना बोलेंगे। जब तक वो पानी में रहेगा तब तक तो वो इंसेक्ट ही है, लेकिन जैसे ही वो इंसेक्ट हाइड्रा के मुंह में आया, मुंह से एलिमेंट्री कैनाल में आया, अब उसको इंसेक्ट नहीं बोलेंगे, अब उसको हम फूड बोलेंगे, ठीक है ना। तो फूड आ चुका है, खाना आ चुका है एलिमेंट्री कैनाल में। अब इसका करना होगा डाइजेशन, जिसके लिए चाहिए होते हैं क्या, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स कहाँ से आएंगे भाई, तो बॉडी वॉल में होते हैं क्या, कुछ सेल्स जिनका नाम क्या है, ग्लैंड सेल्स। ये क्या है, ये है पूरी बॉडी वॉल, ये क्या है बेटा, ये है पूरी बॉडी वॉल, है ना, ये पूरी बॉडी वॉल है। इसी बॉडी वॉल में देखो, यहाँ पे लिखा भी हुआ है मैंने, ये देखो ये क्या है, बॉडी वॉल है ना। तो इसी बॉडी वॉल में होते हैं कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स, और इन सेल्स का नाम क्या होता है, ग्लैंड सेल्स। क्या नाम होता है, ग्लैंड सेल्स, ठीक है ना, लिखा भी होगा, हाँ देखो ये लिखा हुआ है, ग्लैंड सेल्स। ये जो आपको पर्पल कलर के स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं, ये जो आपको पर्पल कलर के या वॉयलेट कलर के स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं, यही क्या हैं, ग्लैंड सेल्स हैं, यही क्या हैं, ग्लैंड सेल्स हैं। तो ये ग्लैंड सेल्स क्या करते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज करते हैं। तो ग्लैंड सेल्स जो कि बॉडी वॉल में थे, ग्लैंड सेल्स जो कि बॉडी वॉल में थे, इन्होंने क्या करा, डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज कर दिए। अब ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स जाएंगे कहाँ, अब ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स जाएंगे इसी एलिमेंट्री कैनाल में। भाई कहीं और तो जाने की जगह ही नहीं है ना, कहीं और जाने की जगह ही नहीं है, एक ही तो कैविटी है, एक ही तो एलिमेंट्री कैनाल है, तो सब कुछ वहीं तो जाएगा ना। फूड भी देखो वहीं आया, बॉडी वॉल में जो ग्लैंड सेल्स थे उन्होंने डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज करे, तो वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी कहाँ जाएंगे बेटा, एक ही तो कैविटी है उसी में आ जाएंगे, मतलब कि एलिमेंट्री कैनाल में ही आ जाएंगे। तो इसीलिए मैंने बोला कि कुल मिलाकर के कंक्लूजन क्या निकलता है, कंक्लूजन ये निकलता है कि एलिमेंट्री कैनाल में खाना भी है और डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी हैं, तो फिर शुभ काम में देरी कैसी, जब खाना भी है और खाने को
डाइजेस्ट करने के लिए डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी हैं, तो फिर देरी किस बात की? डाइजेस्टिव एंजाइम्स आएंगे, है ना? डाइजेस्टिव एंजाइम्स देखो, इसको मैं थोड़ा सा बाहर बनाती हूँ, क्या बाहर नहीं अंदर ही बनाती हूँ, तो आपको समझ में आएगा, ठीक है ना? पहले थोड़ा सा इसको हम क्लीन कर लेते हैं ताकि आपको दिखाई तो दे, वरना अगर दिखाई ही नहीं देगा तो समझ में भी क्या आएगा। थोड़ा सा क्लीन हुआ ना, ये देखो, ठीक है? जो खाना है उसको मैं थोड़ा सा और हाईलाइट कर देती हूँ। ये क्या है? खाना है, ठीक है? थोड़ा सा और इसको साफ़ करेंगे, और खाने को मैं बनाती हूँ थोड़ा सा यहाँ। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, जो आपको रेड कलर के डॉट्स दिख रहे हैं, जो आपको रेड कलर के डॉट्स दिख रहे हैं ना बेटा एलिमेंट्री कैनाल में, ये डॉट्स क्या हैं? ये खाना ही है, ये फूड ही है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक ही तो एलिमेंट्री कैनाल है, एक ही तो कैविटी है, उसी में खाना भी आ जाएगा, उसी में डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी आ जाएंगे। तो खाना है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी हैं, तो फिर देरी किस बात की? डाइजेस्टिव एंजाइम्स आएंगे और खाने के ऊपर अटैक कर देंगे। देखो अब आ रहे हैं कौन? डाइजेस्टिव एंजाइम्स। अब आ रहे हैं कौन? डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ये देखो आ गए, आ गए, आ गए, करण अर्जुन आ गए, करण अर्जुन आ गए। तो देखो मैंने जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है ना, उनको भी पर्पल कलर से ही बनाया है ताकि आप रिलेट कर पाओ कि ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स कहाँ से आए हैं। ये आए हैं ग्लैंड सेल्स से, जो कि कहाँ होते हैं? बॉडी वॉल में होते हैं। ग्लैंड सेल्स को भी मैंने पर्पल कलर से ही बनाया था, और उनसे जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स निकले हैं उनको भी मैंने पर्पल कलर से ही बनाया है ताकि आप रिलेट कर पाओ कि ग्लैंड सेल्स से ही क्या आते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम्स आते हैं। तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या करेंगे? डाइजेस्टिव एंजाइम्स आकर के खाने पे अटैक कर देंगे और खाने को डाइजेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? खाने का डाइजेशन हो जाएगा। अब आप मुझे ये बताओ कि ये जो खाने का डाइजेशन हुआ है, ये सेल के अंदर हुआ है या सेल के बाहर हुआ है? ये समझाया ना मैंने आपको कि एलिमेंट्री कैनाल यानी कि जो कैविटी है उसमें खाना भी है और उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी हैं। तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स आएंगे और खाने के ऊपर अटैक कर देंगे और खाने को डाइजेस्ट कर डालेंगे। तो यहाँ पर जो डाइजेशन हुआ है बेटा, आप मुझे ये बताओ कि क्या ये किसी सेल के अंदर हुआ है या सेल के बाहर हुआ है? आप बोलोगे कि मैम किसी सेल के अंदर थोड़ी ना हुआ डाइजेशन। मैम आप ही तो बता रहे हो क्या कि जो डाइजेशन है वो कहाँ हो रहा है? एलिमेंट्री कैनाल में हो रहा है, कैविटी में हो रहा है। एग्जैक्टली मैं ही तो ये बता रही हूँ कि जो डाइजेशन हो रहा है वो कहाँ हो रहा है? एलिमेंट्री कैनाल में हो रहा है, क्या एक कैविटी में हो रहा है, किसी सेल के अंदर नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या कि यहाँ पे जो डाइजेशन है वो कैसा है? एक्स्ट्रा सेलुलर है। कैसा है? एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन हो रहा है। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन का मतलब क्या है कि ऐसा डाइजेशन जो कि सेल के बाहर हो। एक्स्ट्रा मतलब बाहर, एक्स्ट्रा मतलब बाहर, एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब क्या? सेल के बाहर। तो ऐसा डाइजेशन जो कि सेल के बाहर हो उसे हम बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। तो यहाँ पर भी एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन ही हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो डाइजेशन है वो किसी सेल के अंदर नहीं, वो एक कैविटी में एलिमेंट्री कैनाल में हो रहा है। तो सेल के बाहर हो रहा ना डाइजेशन। डाइजेशन कहाँ हो रहा है बेटा? सेल के बाहर हो रहा है, इसीलिए डाइजेशन कौन सा होगा? एक्स्ट्रा सेलुलर होगा, ठीक है ना? देखो ऐसा है कि पोरीफेरा में मैंने आपको पढ़ाया था कि डाइजेशन इंट्रा सेलुलर होता है। पोरीफेरा में मैंने आपको यही समझाया था कि पोरीफेरा में हमारे पोरीफेरेंस में जो डाइजेशन है वो कहाँ होता है? इंट्रा सेलुलर होता है, मतलब कि सेल के अंदर होता है। मेरी बात आ रही है ना समझ में कि नहीं आ रही है?
कि पॉरीफेरा फाइलम में, पिछले वाले सेशन में जब हमने फाइलम पॉरीफेरा पढ़ा था उस समय मैंने आपको बताया था कि हमारे जो पॉरीफेरन्स होते हैं ना उनमें डाइजेशन इंट्रासेलुलर होता है, मतलब कि सेल्स के अंदर होता है डाइजेशन। अगर हम अपनी बात करें तो हमारी बॉडी में यहाँ पे तो वो थी ना, लार्ज इंटेस्टाइन थी, मिट गई, क्या करें, कोई बात नहीं, फिर से बना देते हैं, इसमें इतना दुखी होने की बात नहीं है। हम क्या कर सकते हैं, हम लार्ज इंटेस्टाइन को फिर से बना सकते हैं, ठीक है ना, ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी और आपकी तो बिल्कुल नहीं लगेगी सारी मेहनत मेरी लग रही है, ठीक है ना। ये देखो, ये आ गया क्या, लार्ज इंटेस्टाइन बन के नया नया। और ये इतना गंदा क्यों लिखा है मैंने, थोड़ा सा साफ लिखना चाहिए तब तो आपको समझ में आएगा। ये देखो, ये क्या है, रेक्टम है, और ये क्या है, एनस है, ठीक है ना। हाँ, तो मैं आपको ये पूछ रही थी कि हमारी बॉडी में कैसे होता है डाइजेशन, इंट्रासेलुलर या एक्स्ट्रासेलुलर। माउथ से खाना आया, माउथ से खाना आया, अब ये जो खाना है ये कहाँ जाएगा, इसोफेगस में जाएगा, फूड पाइप में। अरे माउथ, जो भी खाते हो वो मुंह में ही तो रखते हो ना, कहाँ रखते हो नहीं तो। और तो जो भी आप खाना खाते हो उसको आपने मुंह में रखा, चबाया, जो भी करा, इसके बाद में ये जो खाना है ये कहाँ जाता है, फूड पाइप में जाता है, इसोफेगस में जाता है। इसोफेगस से कहाँ जाएगा, इसोफेगस से जाएगा स्टमक में। इसोफेगस से कहाँ जाएगा बेटा, स्टमक में जाएगा, ठीक है। स्टमक से कहाँ जाएगा, स्टमक में भाई एचसीएल होता है, स्टमक में एसिड होता है, एचसीएल होता है, उसके साथ जो खाना है वो मिक्स हो जाता है, तो इसमें होता है एसिड और खाना जो है इस एसिड से मिक्स हो जाता है। फिर ये जो खाना है ये कहाँ जाएगा, स्टमक से। अब ये खाना स्टमक से जाने वाला है स्मॉल इंटेस्टाइन में। खाना कहाँ जाएगा स्टमक से, स्टमक से खाना जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। और सबसे ज़्यादा डाइजेशन अब्सॉर्प्शन कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत सारे डाइजेस्टिव जूसेस आ जाते हैं, इन जूसेस में बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। तो कुल मिलाकर के जो खाना है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया, खाना जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया, और स्मॉल इंटेस्टाइन में ही सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी आ गए। तो जो खाने का डाइजेशन है वो कहाँ हो जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही हो जाएगा। आई बात समझ में कि ये क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन का थोड़ा सा एनलार्ज्ड व्यू है। तो ये खाना है और इस खाने पर सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स आकर के अटैक कर देंगे। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर खाना गया और इसी स्मॉल इंटेस्टाइन में सारे डाइजेस्टिव जूसेस भी आ गए हैं, सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी आ गए हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन, देखो स्मॉल इंटेस्टाइन देखो होती क्या है, एक लंबी सी ट्यूब होती है जिसको कि हम कॉइल करके अपने एब्डोमेन में रख लेते हैं, एक लंबी सी ट्यूब ही तो होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सब क्या है, लंबी लंबी ट्यूब्स होती हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन नाम से स्मॉल है लेकिन होती ये लॉन्ग, मतलब ये काफ़ी लॉन्ग होती, काफ़ी लंबी होती है। लार्ज इंटेस्टाइन से भी लंबी होती है कौन, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो बस नाम की स्मॉल है, बाकी ये लॉन्ग होती है लार्ज इंटेस्टाइन से भी। हाईली कॉइल्ड ट्यूब्स होती हैं, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के स्मॉल इंटेस्टाइन है क्या, एक लंबी सी ट्यूब ही तो है स्मॉल इंटेस्टाइन बेटा, एक लंबी सी ट्यूब ही तो है। तो इसी ट्यूब की कैविटी में, इसी ट्यूब की कैविटी में खाना भी आ जाएगा, एंजाइम्स भी आ जाएंगे और खाने का डाइजेशन भी हो जाएगा। तो हमारी बॉडी में भी जो डाइजेशन हुआ है उसके बाद में जो डाइजेस्टेड फूड है उसको सेल्स में अब्सॉर्ब किया जाता है। इसको अगर मैं और अच्छे से बनाऊं, देखो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन के ये सारे क्या हैं, सेल्स हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के ये सारे क्या हैं, सेल्स हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के कैविटी में, लंबी सी ट्यूब है ना स्मॉल इंटेस्टाइन, तो स्मॉल इंटेस्टाइन की कैविटी में खाना आ गया। ये क्या है बेटा, यह है खाना, और इसी खाने के ऊपर सारे के सारे
डाइजेस्टिव एंजाइम्स अटैक कर देते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन की कैविटी में खाना है और इसी कैविटी में डाइजेस्टिव जूसेस के एंजाइम्स भी हैं। तो सारे एंजाइम्स मिल करके इस खाने को क्या करेंगे, अटैक करेंगे और डाइजेस्ट कर देंगे। अब जो डाइजेस्टेड फूड होगा ना बेटा, अब डाइजेस्टेड फूड अब्सॉर्ब होगा इन सेल्स में। देखो इन सेल्स में, मैं यहाँ पे बना भी देती हूँ, मैं यहाँ पर ड्रॉ भी कर देती हूँ कि अब क्या हुआ, इन इंटेस्टाइन के सेल्स में जो डाइजेस्टेड फूड है वो जाकर के अब्सॉर्ब हो गया, ठीक है ना। जो डाइजेस्टेड फूड है, एक बार खाना डाइजेस्ट हो गया तो अब जो डाइजेस्टेड फूड होगा ना वो इंटेस्टाइन के सेल्स में जाकर के अब्सॉर्ब हो जाएगा। तो यहाँ पर यानी कि हम में भी तो डाइजेशन कैसा हुआ, एक्स्ट्रा सेलुलर हुआ। किसी सेल के अंदर डाइजेशन नहीं होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर उसकी कैविटी में खाना आ जाता है, एंजाइम्स आ जाते हैं, वहीं के वहीं डाइजेशन हो जाता है। इसके बाद में जो डाइजेस्टेड फूड है उसको सेल्स क्या करते हैं, अब्सॉर्ब कर देते हैं। तो यहाँ पर भी आप बोल सकते हो कि हमारी बॉडी में भी, ह्यूमन बींग्स में भी, हम सबसे एडवांस्ड, हम सबसे मॉडर्न एनिमल्स हैं। तो हम जैसे मॉडर्न एनिमल्स में, हम जैसे मॉडर्न एलिमेंट्स कहाँ से आ गए, एनिमल्स, हम जैसे मॉडर्न एनिमल्स में डाइजेशन कैसे हो रहा है, एक्स्ट्रा सेलुलर हो रहा है। हम में भी कैसा होता है डाइजेशन, एक्स्ट्रा सेलुलर ही होता है। तो हम जैसे मॉडर्न एनिमल्स में एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है। और पॉरीफेरा, चीख चीख के मैं आपसे कह रही हूँ इतनी देर से कि पॉरीफेरा सबसे प्रिमिटिव फाइलम है एनिमल किंगडम का, सबसे पहला फाइलम है एनिमल किंगडम का। कौन? फाइलम पॉरीफेरा। सबसे पहले एनिमल्स के नाम पर पॉरीफेरेंस ही आए थे धरती पर रहने के लिए पानी में। और इतने जो प्रिमिटिव एनिमल्स हैं, इतने जो प्रिमिटिव एनिमल्स हैं उनमें कैसा होता है डाइजेशन, इंट्रासेलुलर होता है, यानी कि सेल्स के अंदर। मॉडर्न एनिमल्स में हम में एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, मॉडर्न एनिमल्स में हम में एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, और पॉरीफेरेंस में सबसे प्रिमिटिव एनिमल्स में इंट्रासेलुलर डाइजेशन। तो सबसे नया वाला डाइजेशन कौन सा है, एक्स्ट्रा सेलुलर, और सबसे पुराना वाला डाइजेशन कौन सा है, इंट्रासेलुलर। अब ये जो है ना, ये बीच का बंदर है कौन, हाइड्रा। या ये केवल हाइड्रा की कहानी नहीं है, ऐसा सब में होता है, सारे सीलेंट्रेट्स में, बस सब कुछ में ऐसा ही होता है, ठीक है ना। ये मत समझना कि मैम सिर्फ हाइड्रा के बारे में इतना पढ़ा रही, नहीं बेटा, सारे सीलेंट्रेट्स में ऐसा ही होता है। बेसिकली अभी मैं आपको पॉलिप फॉर्म समझा रही हूँ कि पॉलिप फॉर्म कैसा दिखता है, उसमें क्या क्या होता है। तो कैसा दिखता है वो बात अलग है, बाकी जो डाइजेशन हो रहा है, ग्लैंड सेल्स, खाने का तरीका, नीडोब्लास्ट, सारे सीलेंट्रेट्स में ऐसा ही होता है। आई बात समझ में? तो ये जो हमारे सीलेंट्रेट्स है ना, ये बेसिकली बीच के बंदर होते हैं। सबसे नया वाला कौन सा है डाइजेशन, एक्स्ट्रा सेलुलर, सबसे पुराना वाला इंट्रा सेलुलर। ये होते हैं बीच के बंदर, इनमें एक्स्ट्रा सेलुलर भी हो जाता है और इंट्रा सेलुलर भी हो जाता है। आप बोलोगे कि मैम अभी तो आपने बताया कि जो भी खाने का डाइजेशन है हाइड्रा में वो एलिमेंट्री कैनाल में हो रहा है। हाँ बात तो सही है, तो ये क्या हुआ, ये हुआ एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। लेकिन अब आप बोल रहे हो कि इसमें इंट्रा सेलुलर भी होता है। हाँ होता है, कैसे, यहां पर जो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन हो रहा है ना, ये कंप्लीट नहीं होता। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है एलिमेंट्री कैनाल में, लेकिन वो डाइजेशन कंप्लीट नहीं होता, मतलब कि कुछ खाना रह जाता है अनडाइजेस्टेड, कुछ खाना रह जाता है अनडाइजेस्टेड। तो इस अनडाइजेस्टेड फूड को कंप्लीटली डाइजेस्ट करने के लिए यहां पर फिर से कुछ सेल्स होते हैं, यहां पर फिर से क्या होते हैं, बॉडी वॉल में कुछ सेल्स होते हैं। तो इन्हीं सेल्स के अंदर ये अनडाइजेस्टेड फूड चला जाता है और वहां जाकर के सेल्स के अंदर जाकर के कंप्लीट डाइजेशन होता है। मतलब ये बीच का बंदर है ना, ये देखो जैसे कि मैंने आपको बताया कि सीलेंट्रेट्स
मैं ना बहुत ही क्या बोलते हैं उसको, काफ़ी जवानी चढ़ गई थी उसको, काफ़ी जो है ना आग लगी हुई थी सिलेंट्रेट्स को कि हम तो जो है ना मॉडर्न एनिमल्स बनेंगे, हमको पानी में नहीं रहना है, हमको 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 जो है ना सेसाइल नहीं रहना है। लेकिन पानी में रहने की इनकी मजबूरी थी, प्रकृति ने इनको अलाउ नहीं किया कि नहीं तुम पानी में ही रहोगे, तुम इतने भी जो है ना अभी नए फाइलम नहीं बने हो, तुम पानी में ही रहोगे। लेकिन जिन सिलेंट्रेट्स ने आवाज़ उठाई कि नहीं नहीं हमें मूव करना है, तो वो क्या बन गए, वो बन गए मोटाइल सिलेंट्रेट्स मेड्यूसा। जिन्होंने आवाज़ नहीं उठाई वो बन करके रह गए सेसाइल यानी कि पॉलिप सिलेंट्रेट्स। आई बात समझ में कि नहीं आई? तो इन लोगों ने आवाज़ उठाई कि हमको जो है मॉडर्न डाइजेशन करना है यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन करना है। तो प्रकृति ने बोला चलो ठीक है तुम्हें करना है तो कर लो, एलिमेंट्री कैनाल में होता है डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर, लेकिन वो हो जाता है इनकम्प्लीट। तो उस इनकम्प्लीट डाइजेशन को कम्प्लीट करने के लिए, जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको कम्प्लीटली डाइजेस्ट करने के लिए, वो अनडाइजेस्टेड फूड कहाँ आ जाता है, बॉडी वॉल में कुछ सेल्स होते हैं उनके अंदर आ जाता है, और उन सेल्स के अंदर आकर के वो अनडाइजेस्टेड फूड या इनकम्प्लीटली, नहीं अनडाइजेस्टेड भी मत बोलो, इनकम्प्लीटली बोलो डाइजेस्टेड, है ना। फूड कैसा होता है, इनकम्प्लीटली डाइजेस्टेड, ये सही नाम है। आई बात समझ में? तो जो इनकम्प्लीटली डाइजेस्टेड फूड है, ऐसा नहीं है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन हुआ था एलिमेंट्री कैनाल में, ऐसा नहीं कि हुआ नहीं था, हुआ था लेकिन वो कंप्लीट नहीं हो पाया। तो जो इनकम्प्लीटली डाइजेस्टेड फूड है ना वो कहाँ जाता है, इन सेल्स में जाता है जो कि कहाँ होते हैं, बॉडी वॉल्स में होते हैं, ठीक है ना। तो इन सेल्स के अंदर जा करके इनकम्प्लीटली, इन सेल्स के अंदर जा करके इनकम्प्लीटली जो डाइजेस्टेड फूड है वो कम्प्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है। तो सेल्स के अंदर हो रहा है डाइजेशन, इसीलिए यहाँ पर आपको इंट्रासेलुलर डाइजेशन भी मिलता है। तो दोनों ही तरह के डाइजेशन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, एडवांस वाला भी और सबसे पुराना वाला भी डाइजेशन। मैंने बोला ना बीच के बंदर होते हैं ये, इनको बनना क्या है मॉडर्न एनिमल, लेकिन इनकी बॉडी जो है ना साथ नहीं देती है इनका। क्यों भाई, हमारे पास तो इतने बढ़िया बढ़िया से ऑर्गन्स होते हैं, तो हम क्या करते हैं एक बार में ही डाइजेशन को कंप्लीट कर लेते हैं, हमारे अंदर सिर्फ एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है। लेकिन इनके पास कोई ऑर्गन सिस्टम नहीं होते हैं, इनके पास कोई ऑर्गन्स नहीं होते हैं, इनके पास टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है। पॉरीफेरेंस में क्या होता है, पॉरीफेरेंस में सिर्फ सेल्स होते हैं बस, जैसे कि एक पॉरीफेरा है, स्पॉन्जिला है, तो स्पॉन्जिला की बॉडी में सिर्फ सेल्स मिलेंगे, स्पॉन्जिला की बॉडी में सिर्फ आपको सेल्स देखने को मिलेंगे, वो सेल्स कुछ करते नहीं हैं, कुछ टिश्यूज वगैरह कुछ नहीं बनाते हैं, तो स्पॉन्जिला की बॉडी में आपको सिर्फ सेल्स देखने को मिलेंगे। लेकिन जब हम बात करते हैं हमारे सीलेंट्रेट्स की, तो इनकी बॉडी में बकायदा, देखो मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे जो एनिमल्स होते हैं ना वो नो डाउट विद नो एक्सेप्शन दे आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। हर एक एनिमल इस एनिमल किंगडम में मल्टी सेलुलर ही होगा। पॉरीफेरेंस में बस सेल्स प्रेजेंट होते हैं, सीलेंट्रेट्स में सेल्स क्या करते हैं टिश्यूज बना लेते हैं, तो यहाँ पर आपको टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा। इज दैट क्लियर? तो कुल मिलाकर के आप बोल सकते हो कि इनके पास, इनकी बॉडी ना इनका साथ नहीं देती है, इनकी सोच अच्छी है कि हम बनेंगे मॉडर्न एनिमल्स, लेकिन इनकी बॉडी इनका साथ नहीं देती कि भाई तुम रहने दो। तो इसलिए डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर भी और इंट्रा सेलुलर भी, ठीक है ना। और ये सारे सिलेंट्रेट्स में होता है, ये नहीं कि सिर्फ हाइड्रा में होता है, ना सारे सिलेंट्रेट्स की यही कहानी है। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। अब और आगे बढ़ते हैं कि मैम क्या इनके पास हार्ट होता है, दिल होता है, इनके पास ब्लड होता है क्या, ब्लड वेसल्स होती हैं क्या? तो इसका जवाब है ना, इनके पास कोई हार्ट नहीं होता, कोई ब्लड वेसल्स नहीं होती हैं, कोई ब्लड नहीं होता है, मतलब कि इनके पास कोई सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है, नो सर्कुलेटरी सिस्टम एट ऑल। सभी सीलेंट्रेट्स में, सभी निडेटेंस में यही होता है कि कोई ब्लड नहीं, कोई हार्ट नहीं, कोई ब्लड वेसल्स नहीं, कोई सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं। जो भी थोड़ा बहुत सर्कुलेशन होना है वो इसी बॉडी कैविटी में हो जाता है कि खाना आ रहा है, खाना जो है ना, जो
डाइजेस्टेड फूड है वो इसी माउथ के थ्रू क्या हो रहा है, बाहर जा रहा है ना। जो खाना डाइजेस्ट हुआ वो तो अब्सॉर्ब हो जाएगा बॉडी सेल्स में, लेकिन जो खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ, वो जो अनडाइजेस्टेड फूड है, वो तो बाहर निकलेगा ना, वही माउथ के थ्रू। तो जो भी छोटा मोटा सर्कुलेशन होता है वो इस एलिमेंट्री कैनाल में ही होता है, कि खाना आ रहा है बाहर जा रहा है, ये सब एलिमेंट्री कैनाल में ही होता है। इसीलिए इस एलिमेंट्री कैनाल को हम गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी भी बोलते हैं, ठीक है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं गैस्ट्रो वैस्कुलर कैविटी भी। ये मत समझना कि मैम गैस्ट्रो तो समझ में आ गया, गैस्ट्रो का मतलब क्या है, समथिंग एसोसिएटेड विद डाइजेशन, बिल्कुल सही है। लेकिन वैस्कुलर का मतलब ये नहीं कि इनमें हार्ट होता है, ये होता ना, सर्कुलेटरी सिस्टम इनमें एब्सोल्युटली एब्सेंट होता है, बिल्कुल गायब होता है। बस थोड़ा बहुत जो भी सर्कुलेशन है ना वो इसी कैविटी में होता है, एलिमेंट्री कैनाल में, इसीलिए इसको हम गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी बोलते हैं। मैम क्या इनके पास फेफड़े होते हैं ना, तो फिर ये सांस कैसे लेंगे, कैसे करेंगे रेस्पिरेशन। तो जनरल बॉडी सरफेस, जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू रेस्पिरेशन होता है, जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू एक्सक्रीशन भी होता है, ठीक है ना। सारे सीलेंट्रेट्स की यही कहानी है, सिर्फ इसकी नहीं है, मैं बार बार आपसे बोल रही हूँ। जेलीफिश में भी ऐसे ही होता है, सी एनिमल में भी ऐसे ही होता है, हाइड्रा में भी ऐसे ही होता है, कोरल्स में भी ऐसे होता है, सब में ऐसे ही होता है कि कोई सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता यहाँ पे। रेस्पिरेशन एक्सक्रीशन जो है जनरल बॉडी सरफेस से हो जाता है, आई बात समझ में। और आप बोल सकते हो कि इसी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर क्या होता है, डाइजेशन, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन कंप्लीट होने के लिए जो इनकम्प्लीटली डाइजेस्टेड फूड है वो सेल्स के अंदर जाता है, तो उसे हम बोलते हैं इंट्रासेलुलर डाइजेशन। तो एलिमेंट्री कैनाल भी इनकी कैसी होती है, इनकम्प्लीट ही होती है, केवल एक ही ओपनिंग होती है, माउथ, एनस नहीं होता, इसलिए इसको हम ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान भी बोलते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमने क्या करा है, ये जो पॉलिप फॉर्म है ये हमने समझ लिया है। अब एक काम करते हैं, अब हम बात करते हैं किसकी, मेड्यूसा फॉर्म की, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं किसकी, मेड्यूसा फॉर्म की। अब मेड्यूसा फॉर्म में क्या होता है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। मेड्यूसा फॉर्म का एग्जांपल हम लेते हैं किसको, जेलीफिश को। किसको लेते हैं, जेलीफिश को, ठीक है ना। तो जेलीफिश को हम कैसे लेंगे, सबसे पहले देखो आपने जो हाइड्रा में पढ़ा है ना, हाइड्रा में आपने जो पढ़ा है, ठीक है ना, हाइड्रा में आपने जो पढ़ा है इसका बेसिक बॉडी फॉर्म, ये बेटा ये पॉलिप का बॉडी फॉर्म था, जो सेसाइल होते हैं सीलेंट्रेट्स उनका बॉडी फॉर्म था, ठीक है ना। अब मैं आपको जो मोटाइल सीलेंट्रेट्स हैं, जो मेड्यूसा हैं, उनका बॉडी फॉर्म बता रही हूँ, एग्जाम्पल अपनी जेलीफिश। तो जो आपने बॉडी फॉर्म यहाँ पढ़ा ना पॉलिप में, इसी को आप उल्टा कर दो, घुमा दो, इन्वर्ट कर दो, तो क्या बन जाएगा, मेड्यूसा का बॉडी फॉर्म बन जाएगा। बताऊं कैसे, देखो ये है अपनी क्या, जेलीफिश, ये क्या अपनी जेलीफिश, ये अपनी जेलीफिश है। अब यहां पर इसका माउथ होता है, यहां पर इसका माउथ होता है इधर, ठीक है ना, और एक ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर होता है जिसको हम हाइपोस्टोम बोलते हैं, है ना, वो भी सेम चीज़ है। और इसके आगे कंटिन्यू होता है क्या, वही एलिमेंट्री कैनाल यानी कि गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। ये क्या है, एलिमेंट्री कैनाल, दिस इज व्हाट, दिस इज एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है ना। और हाँ डेफिनेटली यहाँ पे क्या होंगे, ढेर सारे टेंटिकल्स भी होंगे, क्या होंगे यहाँ पे, ढेर सारे टेंटिकल्स भी होंगे। टेंटिकल्स में वही स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, और इन स्पेशलाइज्ड सेल्स को हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम बोलते हैं नीडोब्लास्ट्स, क्या बोलते हैं, नीडोब्लास्ट्स सेल्स। ये क्या है, माउथ है। तो बेटा जैसा हमने पॉलिप में पढ़ा है ना, बस उसको आप उल्टा कर दो तो वो क्या बन जाएगा, मेड्यूसा का बॉडी फॉर्म बन जाएगा। बाकी सब कुछ सेम है,
हमने पॉलिप में ऐसा पढ़ा था, इसको आप उल्टा कर दो, देखो माउथ ऊपर था, टेंटिकल्स ऊपर थे, है ना। पॉलिप में हमने कैसे पढ़ा था कि माउथ ये था, माउथ ऊपर था, टेंटिकल्स ऐसे ऊपर थे, एलिमेंट्री कैनाल नीचे थी। अब जब आप इसको उल्टा कर दोगे तो उल्टा करने पर क्या होगा, माउथ नीचे आ जाएगा, टेंटिकल्स नीचे आ जाएंगे और एलिमेंट्री कैनाल ऊपर आ जाएगी। तो बिल्कुल उल्टा कर दो, जो पॉलिप फॉर्म में मैंने आपको, जो पॉलिप में मैंने आपको बॉडी फॉर्म पढ़ाया है उसको आप उल्टा कर दो तो वो क्या बन जाएगा, मेड्यूसा का बॉडी फॉर्म बन जाएगा। तो ये सिंपल एक जेलीफिश का एग्जांपल हमने लिया है, जैसे कि पॉलिप में हमने हाइड्रा का एग्जांपल लिया था, वैसे ही हमने मेड्यूसा में जेलीफिश का एग्जांपल लिया है कि ये उसका माउथ, ये पूरी क्या है, जेलीफिश की बॉडी है, है ना। ये पूरी क्या है, जेलीफिश की बॉडी है, ये पूरी जेलीफिश की बॉडी है। इसमें माउथ होता है, ये हाइपोस्टोम होता है, ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर, उसके आगे क्या होती है, एलिमेंट्री कैनाल होती है, ये सारे टेंटिकल्स होते हैं, टेंटिकल्स पे नीडोब्लास्ट सेल्स चिपके होते हैं, और जैसे कि ये इंसेक्ट है, ये क्या है बेटा, ये एक इंसेक्ट है, ये एक इंसेक्ट है। तो इस जेलीफिश को भूख लगी है, आहा भूख लगी, इसको भूख लगी है इस जेलीफिश को, और इसको अपने सामने इंसेक्ट दिखाई दे रहा है, तो ये क्या करेगी, अपने टेंटिकल्स में से नीडोब्लास्ट सेल्स को छोड़ देगी। अरे जेलीफिश को भूख लगी बेटा, और इसको अपने सामने एक इंसेक्ट दिखाई दे रहा है, इसको खाना नज़र आ रहा है, खाना कैसे खाएगी ये, अब ये तो मूव कर सकती है, ये तो मूव कर सकती है, भाई ये तो मेड्यूसा है ना, दिस इज़ वॉट, दिस इज़ मेड्यूसा, तो ये तो मूव कर सकती है, लेकिन पकड़ने का तरीका वही रहता है कि ये अपने टेंटिकल्स में से नीडोब्लास्ट सेल्स को रिलीज़ कर देती है। अब एक आया यहाँ पर क्या, नीडोब्लास्ट सेल, एक आया यहाँ पर नीडोब्लास्ट सेल, और इसने क्या करा, ये क्या है, नीडोब्लास्ट है, दिस इज व्हाट, दिस इज, अरे दिस इज नीडोब्लास्ट सेल। ये क्या करेगा, अपना थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है ना छोड़ेगा, इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को ही हम क्या बोलते हैं, नीडोसिस्ट बोलते हैं, है ना, क्या बोलेंगे, नीडोसिस्ट बोलेंगे। और यही थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इंसेक्ट के ऊपर ऐसे कॉइल हो जाएगा, यही थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नीडोसिस्ट। अरे नीडोब्लास्ट सेल आया ना इंसेक्ट के पास, तो नीडोब्लास्ट सेल ने आकर के अपने थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नीडोसिस्ट को रिलीज किया, यही नीडोसिस्ट इंसेक्ट के ऊपर जाकर के ऐसे लपेट जाएगा। लपेटने के बाद जब वो ये इंश्योर कर लेगा कि अब जो इंसेक्ट है वो कहीं भाग नहीं सकता, अब क्या होगा, ये नीडोसिस्ट इंसेक्ट के अंदर पॉइजन घुसा देगा, यही नीडोसिस्ट, यही थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नीडोब्लास्ट सेल का इंसेक्ट के अंदर पॉइजन इंजेक्ट कर देगा, और इंसेक्ट हो जाएगा बेहोश, और जहां हुआ वो बेहोश, अब आएगी जेलीफिश और उसको खा जाएगी। अल्टीमेटली ये इंसेक्ट कहां आ जाएगा, जेलीफिश के माउथ में आ जाएगा, माउथ से फिर कहां जाएगा, माउथ से फिर जाएगा एलिमेंट्री कैनाल में, माउथ से कहां जाएगा बेटा इंसेक्ट, एलिमेंट्री कैनाल में। अब जब इंसेक्ट एलिमेंट्री कैनाल में आ ही चुका है तो अब उसको हम इंसेक्ट तो बोलेंगे नहीं, अब क्या बोलेंगे, उसको फूड बोलेंगे। फिर क्या होगा, डाइजेस्टिव एंजाइम्स आ जाएंगे ग्लैंड सेल्स हैं, यहाँ पर सारे ग्लैंड सेल्स होते हैं, सेम चीज़ है बेटा, सेम चीज़ है, ऐसे नहीं कि अलग है, सेम वही चीज़ है, बस बॉडी फॉर्म को हमने पलट दिया है क्योंकि ये मेड्यूसा फॉर्म है, ठीक है ना। तो बॉडी वॉल है ना, बॉडी वॉल में क्या होते हैं, ग्लैंड सेल्स होते हैं। अरे भाई एलिमेंट्री कैनाल में खाना आ गया, फूड आ गया, अब इसको करना है क्या, डाइजेस्ट। इसके लिए बॉडी वॉल में होते हैं ये वाले ग्लैंड सेल्स, ग्लैंड सेल्स क्या करेंगे, डाइजेस्टिव एंजाइम्स निकालेंगे, और यही एंजाइम्स आ जाएंगे कहाँ, इकलौती कैविटी में, एलिमेंट्री कैनाल में, और वहाँ पर आकर के खाने का डाइजेशन शुरू कर देंगे। लेकिन वो क्या होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, लेकिन इनकम्प्लीट। तो इनकम्प्लीट डाइजेशन को कंप्लीट करने के लिए जो इनकम्प्लीटली डाइजेस्टेड फूड है वो कहाँ जाता है, सेल्स में चला जाता है, कहाँ जाता है, सेल्स में जाता है। अब क्योंकि कंप्लीट डाइजेशन कहाँ हो रहा है, सेल के अंदर हो रहा है, इसीलिए उसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रासेलुलर डाइजेशन। तो इनमें दोनों ही टाइप का डाइजेशन देखने को मिलेगा, एक्स्ट्रासेलुलर एंड इंट्रासेलुलर, ठीक है ना। चलो तो कुल मिलाकर के ये है कहानी किसकी, ये है कहानी आप बोल सकते हो कि पॉलिप एंड मेड्यूसा फॉर्म की, सेम मतलब हाँ पॉलिप एंड मेड्यूसा फॉर्म की। इनका जो बॉडी फॉर्म है वो थोड़ा सा उल्टा होता है,
मैंने आपको पॉलिप और मेड्यूसा के बारे में अभी समझाया है, दोनों फॉर्म्स के जो बॉडी फॉर्म है वो मैंने आपको समझा दिए, उल्टे पुल्टे होते हैं, एक का ऐसा दूसरे का ऐसा, बाकी जो मेन स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है सब में सेम ही होता है, जो डाइजेशन की प्रोसेस है वो एक जैसी हो रही है, रेस्पिरेशन एक्सक्रीशन जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू हो जाता है, इसके अलावा सर्कुलेटरी सिस्टम इनमें नहीं होता है। आई बात समझ में? हाँ, इनमें सबसे पहली बार हमें न्यूरॉन्स देखने को मिल रहे हैं, इनमें हमें सबसे पहली बार न्यूरॉन्स देखने को मिलेंगे। जो हमारे पॉरीफेरेंस होते हैं ना, उनके पास न्यूरॉन्स भी नहीं होते हैं, बद दिमाग होते हैं बिल्कुल। क्यों बद दिमाग? क्योंकि न्यूरॉन्स भी नहीं होते हैं। सबसे पहले न्यूरॉन्स आपको पहली बार निडेरियंस में ही देखने को मिलेंगे। तो इनमें आप बोल सकते हो, क्योंकि ये अब क्या हो रहा है, हम धीरे धीरे एडवांसमेंट की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, तो एडवांसमेंट तो तभी होगा ना जब चीज़ें नई नई आती जाएंगी। तो सबसे पहले न्यूरॉन्स आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? निडेरियंस में। उसके पहले जो पॉलीफेरेंस हैं वो होते हैं बद दिमाग, उनके पास कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। तो सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं, एलिमेंट्री कैनाल कैसी है? इनकम्प्लीट है, सिर्फ एक ही ओपनिंग है। रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन जनरल बॉडी सरफेस से हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब कुछ बेसिक बातें हम कर लेते हैं, क्या कि फाइलम सिलेंट्रेटा इंक्लूड्स हाइड्रा, जेलीफिश, सी एनिमल्स, कोरल्स, दे मे बी सॉलिटरी एंड कॉलोनियल। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये कॉलोनीज में भी रहना पसंद करते हैं और ये सॉलिटरी भी होते हैं, मतलब कि अकेले अकेले भी रहते हैं। दे आर ऑल एक्वेटिक, बोथ फ्रेश वाटर एंड मरीन। हाइड्रा क्या है? फ्रेश वाटर है, फ्रेश वाटर सिलेंट्रेट है। द बॉडी ऑफ एनिमल्स इज मेड अप ऑफ टू लेयर्स ऑफ सेल्स, यानी कि ये क्या होते हैं? डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप मार्क करेंगे कि ये क्या होते हैं, दीज आर डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। एनिमल्स आप बोल सकते हो कि होते हैं मल्टी सेलुलर, इनमें बहुत सारे सेल्स होते हैं, और वो सेल्स क्या बनाते हैं? मिलकर के टिश्यू बना लेते हैं, तो इनके अंदर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। तो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सबसे पहली बात तो एक्वेटिक होते हैं, फ्रेश वाटर मरीन दोनों में मिलेंगे। डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, दो जर्म लेयर्स होती हैं, एक्टो और एंडो। फिर टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है, कोई ऑर्गन नहीं, कोई ऑर्गन सिस्टम नहीं, सिर्फ टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन। निडेरियंस कैसे होते हैं? एसीलोमेट होते हैं, मतलब कि इनमें कोई कैविटी नहीं होती, मतलब वो एलिमेंट्री कैनाल वो वाली कैविटी अलग है ना। सीलोम का मतलब क्या होता है? सीलोम मतलब की कैविटी। कौन सी कैविटी? तो बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल के बीच की कैविटी। सीलोम मतलब क्या बेटा? कैविटी। कौन सी कैविटी? बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल के बीच की कैविटी। इनमें तो क्या है? इनमें तो सिर्फ एलिमेंट्री कैनाल है और ये बॉडी वॉल है। ये क्या है? दिस इज एलिमेंट्री कैनाल। ये क्या है? बॉडी वॉल है। तो क्या आपको एलिमेंट्री कैनाल, इस एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी वॉल के बीच में कोई और कैविटी दिख रही है क्या? इस एलिमेंट्री कैनाल और इस बॉडी वॉल के बीच में आपको कोई कैविटी दिख रही है क्या? नहीं ना। इसका मतलब क्या? एसीलोमेट होंगे, कोई सीलोम नहीं होगा। फिर इसके बाद में सिमेट्री कैसी होती है? रेडियल होती है। आप इनको किसी भी प्लेन से जो है टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हो। देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ किसकी, इस हाइड्रा की, है ना, तो इसको मैं ऐसे भी डिवाइड कर सकती हूँ, ऐसे भी कर सकती हूँ, ऐसे भी कर सकती हूँ। तो रेडियल सिमेट्री में देखने को मिलेगी, मतलब कि आप सीलेंट्रेट्स को या निडेरियंस को टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हो किसी भी प्लेन से, है ना। देखो जेलीफिश है, जेलीफिश को मैं ऐसे भी कर सकती हूँ, 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 तो मैं किसी भी प्लेन से कर सकती हूँ। ये क्या है? सी एनिमल है, तो मैं इसको ऐसे भी कर सकती हूँ, ऐसे भी कर सकती हूँ, ऐसे भी कर सकती हूँ। तो इनमें आपको रेडियल सिमेट्री देखने को मिलेगी। द बॉडी एनक्लोजेस अ सिंगल कैविटी, वही एलिमेंट्री कैनाल। इट हैज़ अ सिंगल अपर्चर, यानी कि माउथ। इट इज, देर इज नो एनस, कोई एनस नहीं होता है। दैट इज इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल। कैसी होती है एलिमेंट्री कैनाल? इनकम्प्लीट ही होती है। द माउथ सर्व्स बोथ फॉर टेकिंग फूड एंड फॉर थ्रोइंग आउट फीसिस। कि माउथ भाई एक ही कैविटी है ना, मतलब एक ही कैविटी है एलिमेंट्री कैनाल और उसकी एक ही ओपनिंग है, तो उसी एक ही ओपनिंग से पूरा काम चलाना पड़ेगा, कि खाना भी वहीं से आएगा और पॉटी भी वहीं से जाएगी। द माउथ ऑफन बियर्स सिलेंडर फ्लेक्सिबल
द माउथ ऑफन बियर्स स्लेंडर फ्लेक्सिबल प्रोसेसेस, जैसे हम क्या बोलते हैं, टेंटिकल्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं? टेंटिकल्स. और इन्हीं टेंटिकल्स में क्या होते हैं? नीडोब्लास्ट्स सेल्स होते हैं. तो क्योंकि इनके पास नीडोब्लास्ट्स सेल्स हैं, इसीलिए इनका नाम क्या पड़ गया? निडेरियंस. फाइलम का नाम क्या पड़ गया? निडेरिया. रेस्पिरेशन एक्सक्रीशन जनरल बॉडी सरफेस से. कोई सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता इनमें. न्यूरॉन्स सबसे पहले इन्हीं में देखने को मिलती हैं, फिर इसके बाद में द बॉडी वॉल. अच्छा, जो टेंटिकल्स होते हैं ना, जो नीडोब्लास्ट सेल्स होते हैं ना, वो सिर्फ टेंटिकल्स पे नहीं होते हैं, वो बॉडी वॉल में भी होते हैं, है ना. जैसे कि अगर मैं ऐसे बनाऊँ, हाइड्रा को बनाऊँ, हाइड्रा, ठीक है ना. तो टेंटिकल्स में भी होते हैं नीडोब्लास्ट सेल्स, और जो बॉडी वॉल है ना, बॉडी वॉल में भी नीडोब्लास्ट सेल्स होते हैं. ऐसे नहीं कि सिर्फ टेंटिकल्स पे होते हैं. द बॉडी वॉल ऑफ निडेरियंस इज सप्लाइड विद स्पेशल स्टिंगिंग सेल्स, जिन्हें हम बोलते हैं नीडोब्लास्ट्स, फॉर ऑफेंस एंड डिफेंस पर्पस. डिफेंस के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है. दीज सेल्स व्हेन डिस्चार्ज्ड गिव आउट फ्रॉम अ नीडोसिस्ट अ लॉन्ग थ्रेड लाइक गिव आउट फ्रॉम अ नीडोसिस्ट अ लॉन्ग थ्रेड ट्यूब दैट मे कॉइल अराउंड अ प्रे और अटैच टू इट और इंजेक्ट अ टॉक्सिन कॉल्ड हिप्नोटॉक्सिन इन टू इट टू पैरालाइज इट. वही वाली बात है कि जो नीडोब्लास्ट, देखो ऐसे दिखते हैं, ये देखो, ये ठीक है ना, ये. तो बेसिकली आप बोल सकते हो कि जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ना, वो भी एक पतली सी ट्यूब से निकलता है. ये पूरा क्या है? ये पूरा है नीडोब्लास्ट सेल. ये आपको एक पतली सी ट्यूब नजर आ रही होगी. इस पतली सी ट्यूब को हम बोलते हैं नीडोसिस्ट. क्या बोलते हैं? नीडोसिस्ट बोलते हैं, नीडोसिस्ट, है ना. कि व्हेन डिस्चार्ज्ड गिव आउट फ्रॉम अ नीडोसिस्ट अ लॉन्ग थ्रेड लाइक ट्यूब. तो ये नीडोब्लास्ट है. जब इनको छोड़ा जाएगा टेंटिकल्स से या बॉडी वॉल से, तो ये एक पतली सी ट्यूब बना लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं नीडोसिस्ट. और फिर इससे निकलता है क्या? एक बहुत ही पतला सा ट्यूब जैसा या थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जो कि इंसेक्ट के ऊपर जाकर के रैप हो जाता है, और फिर इसके बाद में उसको जाकर के स्टिंग करेगा, और स्टिंग करके इंजेक्ट करके पॉइजन डाल देगा. और ये पॉइजन कैसा होता है? हिप्नोटॉक्सिन, यानी कि ये हिप्नोटाइज कर देगा, और जो इंसेक्ट है, जो प्रे है, वो बेसिकली पैरालाइज हो जाएगा. अब हम बात करते हैं किसकी? रिप्रोडक्शन की. देखो, रिप्रोडक्शन के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि जो हमारे पॉलिप फॉर्म होते हैं, जैसे कि हाइड्रा, उनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है. मेरी बात आई समझ में? जो हमारे पॉलिप फॉर्म है, बेस्ट एग्जांपल क्या है? हाइड्रा. इनमें जो है सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों ही देखने को मिलेगा पॉलिप फॉर्म में. बेटा, जो सेसाइल फॉर्म होते हैं, उनमें आप बोल सकते हो कि एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों ही मोड्स का रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है. मैम, एसेक्सुअल कैसे होता है? एसेक्सुअल होता है बडिंग से. बहुत कॉमन है हाइड्रा की बडिंग. इसमें क्या होता है? वो पिक्चर आपने देखी होगी, बागबान. उसमें क्या होता है? माँ बाप जो हैं अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं, है ना, पाल पोस कर बड़ा करते हैं, लेकिन जैसे ही बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं, वो अपने माँ बाप को छोड़ करके अपनी नई दुनिया बसा लेते हैं. यहाँ पर भी ऐसे ही हो रहा है कि ये क्या होता है? ये होता है पेरेंट हाइड्रा. ये क्या होता है बेटा? पेरेंट हाइड्रा. इस पेरेंट हाइड्रा के ऊपर एक छोटा सा बड डेवलप हो जाता है. इस पेरेंट हाइड्रा के ऊपर एक छोटा सा बड, एक छोटी सी आउटग्रोथ. सबसे पहले इसको हम क्या बोलते हैं? आउटग्रोथ बोलते हैं. तो ये है क्या? पेरेंट हाइड्रा. इसमें एक छोटी सी आउटग्रोथ डेवलप हो जाती है. फिर यही आउटग्रोथ क्या बन जाता है? एक छोटा सा बड बन जाता है. क्या बन जाता है? बड बन जाता है. बड बन रहा है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? बडिंग बोलते हैं. फिर इसी बड से क्या होता है? एक छोटा सा बेबी हाइड्रा जो है ग्रो होने लगता है. ये बेटा पेरेंट हाइड्रा है. इसकी बॉडी पर, पेरेंट हाइड्रा है, इसकी बॉडी पर एक आउटग्रोथ डेवलप होती है.
यही आउटग्रोथ डेवलप होगी। आप ये बोल सकते हो कि ये पेरेंट हाइड्रा है, इसकी बॉडी में एक आउटग्रोथ डेवलप हुई है, यही आउटग्रोथ ग्रो करेगी किसमें, बड में, और यही बड ग्रो करेगा, डेवलप करेगा किसमें, एक छोटू से नन्हे से हाइड्रा में। अब ये छोटू सा नन्ना सा हाइड्रा इतना नालायक होता है कि ये अभी तो अपने पेरेंट हाइड्रा से चिपका हुआ है, क्यों, क्योंकि ये अभी छोटा है ना, अभी ये पूरा बना नहीं है, छोटा सा है, तो अभी ये न्यूट्रिशन के लिए पेरेंट हाइड्रा से चिपका रहेगा। लेकिन जैसे ही ये अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा, खुद खाने के लायक बन जाएगा, ये अपने पेरेंट हाइड्रा से अलग हो जाएगा और एक इंडिविजुअल हाइड्रा की तरह क्या करेगा, सर्वाइव करेगा। तो देखो, एक ही पेरेंट से एक और नया बच्चा पैदा हो गया ना, इसको हम बोलते हैं एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, जिसमें कि केवल एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, और क्योंकि यहाँ पे बड बन रहा है पेरेंट हाइड्रा के ऊपर, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, बडिंग बोलते हैं, बडिंग मेथड बोलते हैं। ये टाइप होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो सिंपल है, ये होता है पेरेंट हाइड्रा, पेरेंट हाइड्रा के ऊपर एक छोटा सा बड डेवलप हो जाता है, पेरेंट हाइड्रा के ऊपर बेटा एक छोटा सा बड डेवलप हो जाता है, या पेरेंट हाइड्रा के ऊपर सबसे पहले एक आउटग्रोथ निकलती है। ये आउटग्रोथ कैसे निकलती पता है, यहाँ पर ना रिपीटेटिव सेल डिवीजन होते हैं, लगातार सेल डिवीजन होते हैं इस पर्टिकुलर साइट पर। ये आपको पेरेंट हाइड्रा में एक पर्टिकुलर साइट दिखाई दे रही होगी, एक पर्टिकुलर जगह दिखाई दे रही होगी, इस पर्टिकुलर जगह पर साइट पर रिपीटेटिव डिविजन्स होते हैं, जिसके कारण एक आउटग्रोथ डेवलप हो जाती है। यही आउटग्रोथ डेवलप होगी, ग्रो करेगी किसमें, बड में, इसी बर्ड से यही बर्ड आगे ग्रो करेगा, डेवलप करेगा किसमें, एक बेबी हाइड्रा में। ये बेबी हाइड्रा शुरुआत में पेरेंट हाइड्रा से ही चिपका रहता है अपने न्यूट्रिशन के लिए, लेकिन जैसे ही ये अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है, ये पेरेंट हाइड्रा की बॉडी से डिटैच हो जाएगा और एक इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल हाइड्रा की तरह क्या करेगा, सर्वाइव करेगा, जिएगा। इसे हम बोलते हैं बडिंग। तो मैम, क्या हाइड्रा में, जो कि एक पॉलिप है, क्या हमारे पॉलिप में केवल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है? नहीं, सेक्सुअल भी होता है। कैसे? तो देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी जो है ना, प्रकृति ने सेक्सेस को सेपरेट करने की ज़रूरत समझी नहीं है। प्रकृति बोलती है कि, प्रकृति मतलब कोई लड़की नहीं, नेचर, प्रकृति बोलती है कि अभी तो सब बेसिक एनिमल्स चल रहा है ना, तो बेसिक एनिमल्स में क्या होता है, सब चीज़ें बेसिक होती हैं, कि एनिमल की बॉडी में मेल सेक्स ऑर्गन्स भी होंगे, फीमेल सेक्स ऑर्गन्स भी होंगे, टेस्टिस भी होंगी, ओवरी भी होगी। तो प्रकृति अभी ये बोलती है कि अभी सारे बेसिक एनिमल्स चल रहे हैं, तो इनकी बॉडी में सब कुछ डाल दो। तो चाहे वो पॉरीफेरेंस हो, चाहे वो सीलेंट्रेट्स हो, सारे के सारे कैसे होते हैं, सारे के सारे आप बोल सकते हो कि हर्मोफ्रोडाइट ही होते हैं, सब के सब कैसे होते हैं, हर्मोफ्रोडाइट ही होते हैं। आई बात समझ में? तो जैसे कि ये एक हाइड्रा है, ये एक हाइड्रा है, ये एक हाइड्रा है, अरे ये देखो, ये एक हाइड्रा है, ठीक है ना, टेंटिकल्स भी बनाई देते हैं, लगे तो हाइड्रा हाइड्रा जैसा। जब ब्रीडिंग सीजन आता है, जब बच्चे पैदा करने का समय आता है, मौसम आता है, तो ये क्या करता है, कोनिकल टेस्टिस, है ना, कोनिकल मतलब कोनिकल क्यों बोल रहे हो, क्योंकि टेस्टिस का जो शेप है वो कोन जैसा होता है, तो इसलिए कोनिकल टेस्टिस। अगर याद नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस इतना रख लेना कि जब ब्रीडिंग सीजन आता है तो हाइड्रा क्या करता है, अपनी बॉडी पर टेस्टिस डेवलप कर लेता है, और नीचे की तरफ ओवरीज, तो ये हो जाती हैं क्या, टेस्टिस, और ये हो जाती हैं क्या, ओवरीज। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर्मोफ्रोडाइट है, यानी कि एक ही ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, एक ही ऑर्गेनिज्म की बॉडी में मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स दोनों ही देखने को मिलते हैं, तो मिल तो रहे हैं, ये क्या है, हर्मोफ्रोडाइट है, है ना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ से टेस्टिस से स्पर्म निकले और यहीं पे ओवरीज में आकर के अंडों को फर्टिलाइज कर दिया, ये नहीं होता, सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। आई बात समझ में? दूसरा हाइड्रा भी इस्तेमाल किया जाता है, दूसरा हाइड्रा भी इस्तेमाल किया जाता है। ये दूसरा हाइड्रा भी क्या करेगा, दूसरा हाइड्रा भी जब ब्रीडिंग सीजन आएगा उस समय अपनी बॉडी में टेस्टिस जो है डेवलप कर लेगा और ओवरीज डेवलप
कर लेगा। तो यहां पर जो टेस्टिस हैं, इस हाइड्रा में जो टेस्टिस हैं, अरे इस हाइड्रा में जो टेस्टिस है ना, इनसे स्पर्म्स निकलेंगे, इनसे स्पर्म्स निकलेंगे, और ये स्पर्म्स कहाँ जाएंगे, ये स्पर्म्स जाएंगे, अरे ये स्पर्म्स जाएंगे इस वाले हाइड्रा के, अरे अरे अरे, अरे इस वाले हाइड्रा के ओवरी में। इसे हम बोलते हैं क्रॉस फर्टिलाइजेशन, यानी कि जहाँ पे दो पेरेंट्स इस्तेमाल हो रहे हो। ये नहीं कि एक ही बॉडी के अंदर टेस्टिस भी है, ओवरी भी है, तो टेस्टिस स्पर्म निकला और उसी बॉडी के ओवरी में जाकर के अंडे को फर्टिलाइज कर दिया, नहीं ऐसा नहीं होता। तो इस हाइड्रा की बॉडी में जो टेस्टिस हैं, वहाँ से स्पर्म्स निकलेंगे और वो कहाँ जाएंगे, इस वाले हाइड्रा की ओवरी में जाएंगे और जाकर के एग्स को फर्टिलाइज करेंगे। सिमिलरली यहाँ पर इस हाइड्रा की बॉडी में जो टेस्टिस हैं, इस हाइड्रा की बॉडी में जो टेस्टिस हैं, इन टेस्टिस से स्पर्म्स निकलेंगे और ये स्पर्म्स कहाँ जाएंगे, इस वाली हाइड्रा की ओवरीज में जाएंगे और यहाँ के हाइड्रा की ओवरीज के अंडों को फर्टिलाइज करेंगे। तो इसे हम बोलते हैं क्या, देखो क्रॉस हो रहा है ना, क्रॉस, तो इसे हम बोलते हैं क्रॉस फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं बेटा, क्रॉस फर्टिलाइजेशन। आई बात समझ में? तो ऐसा है कि जो हमारे पॉलिप फॉर्म होते हैं, जिसका एक एग्जांपल हाइड्रा है, उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और सेक्सुअल भी होता है। एक सेक्सुअल होता है, एसेक्सुअल होता है बडिंग से, और सेक्सुअल होता है वही गैमेट्स का फॉर्मेशन, क्रॉस फर्टिलाइजेशन। तो फिर मैम जो मेड्यूसा फॉर्म है उसमें क्या होता है, तो मेड्यूसा को हम बोलते हैं कि दद्दा, तुम जो है ना, तुम बस क्या करो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही करो। पॉलिप ने एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों कर लिया है, मेड्यूसा को हम बोलते हैं कि दद्दा तुम केवल सेक्सुअल ही रिप्रोडक्शन करो। कैसे, देखो यहां पे ये है क्या, जेलीफिश। भाई हम पॉलिप का एग्जांपल ले रहे हैं हाइड्रा, और मेड्यूसा का एग्जांपल ले रहे हैं क्या, जेलीफिश। तो ये क्या है, जेलीफिश है, है ना। यहां से आप बोल सकते हो कि ये एक जेलीफिश है और ये भी क्या है, एक जेलीफिश है, ठीक है ना। अगेन हर्मोफ्रोडाइट, तो ये भी होंगे, इनमें भी टेस्टिस होगी, ओवरीज होगी, इनमें भी, इनमें भी, है ना। तो अभी तो प्रकृति ने सबको क्या करा है, हर एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी में टेस्टिस, ओवरीज सब डाल दी है। अब यहां से निकलेंगे क्या स्पर्म्स, ये जो जेलीफिश है इससे निकलेंगे स्पर्म्स, और ये कहां जाएंगे, इस जेलीफिश की ओवरी में चले जाएंगे और ओवरी में जाकर के अंडों को फर्टिलाइज करेंगे। फिर क्या होगा, जायगोट बनेगा, जायगोट से क्या होगा, लार्वा बनेगा, और फिर जो लार्वा है इससे क्या बन जाएगा, एक नई जेलीफिश, अरे एक नई जेलीफिश बन जाएगी, सिंपल है ना। टेंटिकल्स भी बना दो, वरना अभी तो ये घंटियां लग रही हैं और कुछ नहीं, ये ठीक है ना। तो मेड्यूसा फॉर्म को हम बोलते हैं कि भैया तुम तो क्या करो, सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही करो, गैमेट्स का फॉर्मेशन करो, उनका फर्टिलाइजेशन करवाओ, और क्या बन जाएगा, उससे एक नया मेड्यूसा बन जाएगा। एक और खास बात, क्या, कि ये जो मैंने आपको हाइड्रा का बताया था केस, कौन सा वाला, ये वाला, इस हाइड्रा में, अरे वो कहाँ गया, हाइड्रा का केस कहाँ गया, वो वाला, चलो यहाँ देख लो, जो मैंने बडिंग आपको बताई थी, है ना, बडिंग से जो नया हाइड्रा बनता है ना, वो भी कुछ दिन तक तो तैरेगा, और फिर अल्टीमेटली वो भी जाकर के क्या होगा, नीचे सेटल हो जाएगा, वो भी एक पॉलिप ही बनेगा, क्योंकि भाई पॉलिप है ना हाइड्रा, तो वो तो पॉलिप रहेगा, तो शुरुआत में तैरेगा लेकिन अल्टीमेटली नीचे जाकर के ही बैठ जाएगा, जुड़ जाएगा सबस्ट्रेटम से। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्रॉस फर्टिलाइजेशन हुआ, फिर जायगोट बनेगा, जायगोट से आप बोल सकते हो कि लार्वे बनेंगे। अब वो जो लार्वे है ना, वो तैरेंगे, कितनी अजीब बात है कि जो पेरेंट्स हैं वो तो पॉलिप हैं, लेकिन जो लार्वे बन रहे हैं वो कैसे हैं, वो तो तैर रहे हैं। अरे जो पेरेंट्स हैं वो तो पॉलिप हैं, वो तो जुड़े हुए हैं सबस्ट्रेटम से, वो तो मूव नहीं कर सकते, लेकिन जो इनके लार्वे बनते हैं ना वो मूव कर पाते हैं, लार्वे ऐसे 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 मूव करते हैं। आई बात समझ में? लेकिन ऐसा नहीं है कि लार्वे जिंदगी भर जो है मूव ही करते रहेंगे ना, एक टाइम के बाद लार्वे भी थक जाएंगे, और थकने के बाद सबस्ट्रेटम पे आकर के चिपक जाएंगे, और चिपकने के बाद क्या करेंगे, नया पॉलिप जो है बनाते जाएंगे।
तो पेरेंट्स कहने को तो क्या है, पॉलिप है, लेकिन जो लार्वे बनेंगे वो कैसे होंगे, फ्री स्विमिंग टाइप के होंगे, लेकिन एक हद के बाद थक जाएंगे, फिर आकर के किसी सबस्ट्रेटम से जुड़ जाएंगे, और जुड़ने के बाद में क्या करेंगे, फिर कायदे से पॉलिप बनाएंगे, ठीक है ना। तो जब बच्चे होते हैं, जब छोटे होते हैं तो तैरेंगे, लार्वे जब होते हैं तो वो तैरेंगे, लेकिन अल्टीमेटली वो आकर के वो पॉलिप ही बनाने वाले हैं, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के रिप्रोडक्शन कैसे होता है ये मैंने आपको पूरा समझा दिया है, बेसिक बॉडी फॉर्म जो है वो भी मैंने आपको पूरा बता दिया है। तो कुछ इस तरीके से क्या होगा, रिप्रोडक्शन होता है इनमें। हाँ, जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि जो कोरल्स होते हैं ना, उनके वो भी सीलेंट्रेट्स ही होते हैं, बस वो इतने हार्ड कैसे हो जाते हैं, तो उनकी बॉडी पर बाहर एक स्केलेटन होता है जिसे हम बोलते हैं एक्सोस्केलेटन, जो कि किसका बना होता है, आप बोल सकते हो कि कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, है ना। सॉफ्ट बॉडी में बी सपोर्टेड बाय हॉर्नी या कैलकेरियस स्केलेटन, हार्ड स्केलेटन अकर्स इन कोरल्स। एग्जाम्पल्स हैं हाइड्रा, जो कि एक फ्रेश वाटर पॉलिप है, ओबेलिया, इसको हम ये ऐसा दिखता है, सीफर, एडम्सिया यानी कि सी एनिमन, और ऑरेलिया जो कि यह है एक जेलीफिश। तो कुछ इस तरह से आपका जो फाइलम सीलेंट्रेटा है या जो निडेरिया है ये होता है कंप्लीट। तो आज के इस सेशन के लिए बस इतना ही। मैं सोच रही थी कि आज मैं आपको प्लेटी हेलमेंथिस भी पढ़ा ही देती हूँ, लेकिन फिर बहुत कचरा हो जाएगा, है ना, तो वो हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। इस सेशन के लिए बस इतना ही, अब हम मिलेंगे। देखो मेरे पास स्लाइड्स एकदम सारी रेडी थी, लेकिन आज नहीं पढ़ेंगे प्लेटी हेलमेंथिस, अगले सेशन में पढ़ेंगे। तो इस सेशन के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आज के इस सेशन में मैंने आपको सीलेंट्रेट्स के बारे में जो भी बताया है वो आपको समझ में आया होगा। तो इस सेशन के लिए बस इतना ही, अब हम मिलेंगे अपने अगले सेशन में। तब तक आप क्या करोगे, अरे विजिट करो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट। कैसे विजिट करोगे, कुछ नहीं करना है, गूगल पे जाकर के टाइप करना है magnetbrains.com। जैसे ही टाइप करके सर्च करोगे आपके सामने आ जाएगा ये वाला एक पेज, जहाँ पर लिखा रहेगा इंडियाज़ नंबर 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म, जहाँ पर आपके पास क्लास 12 से लेकर के किंडरगार्टन तक के सभी कोर्सेज होंगे अवेलेबल। इसी पेज में आपको एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज का भी ऑप्शन नज़र आएगा। इस ऑप्शन में आपको जाना है NTSC के ऑप्शन में। जैसे ही जाओगे तो NTSC के आपको सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पे दिखाई देने लग जाएंगे। सपोज़ आपको देखना है क्या बायोलॉजी, तो NTSC बायोलॉजी के ऑप्शन पे आप जाओगे। जैसे ही जाओगे, क्लिक करोगे, तो आपके सामने NTSC बायोलॉजी का जो पूरा एक पेज है वो खुल जाएगा। तो जितने भी चैप्टर्स अभी तक हमने कर लिए, जो भी टॉपिक्स अभी तक हमने कर लिए हैं, वो सारे यहाँ पर आपको इस पेज में मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो कुछ इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करके NTSC बायोलॉजी या हाँ NTSC बायोलॉजी के सारे लेक्चर्स टॉपिक वाइज एक्सेस कर सकते हो। तो अब हम मिलेंगे अपने अगले सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग विद मैग्नेट ब्रेन्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।